रेड्डी साहब, यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। रेड्डी साहब, बोलिए राठौड़ जी, क्या हुआ? क्या हुआ? उन लोगों की जमीन गई, उनके पैसे गए, उनका खून बहा। आप पूछिए क्या हुआ, या तो उनके पैसे लौटा दीजिए या जमीन। देखो गोविंद, आपको तो उसके लिए हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज से बात करनी पड़ेगी। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज? अरे तुम उन्हें जानते हो? रामचरण जी भाग जाइए, हम फंस गए, भाग जाइए, हम फंस गए। मैं नहीं गोविंद, तुम फंस गए हो। किधर जाता है भाई? मैं तो समाज सेवा को भाई, मेरा काम है सबकी सेवा करना। तुम्हें यहाँ लाके मैंने इनकी सेवा की है, क्यों ना? नहीं अप्पा, इतना हैरान क्यों? ये तो पहला सरप्राइज है। दूसरा सरप्राइज मैं तुझे आजाद नगर वालों के सामने दूंगा। चल। कॉलोनी वालों, बाहर निकलो, इधर देखो, ये नंजी गुड़का ने तुम लोगों के वास्ते पंगा लिया। अभी इसका क्या हालत किया हम लोग, देखो, इधर देखो, ये तुम्हारा गॉडफादर। इसने तुम लोगों की मदद की थी ना, अब इसकी मदद के लिए नीचे आओ, नीचे आओ सालो। देखो ये कैसे तड़प रहा है, देखो। बहुत शौक है ना तेरे को भागने का, चल दिखा भाग के, लगा मिर्ची और भाग, दिखा। अभी आंखें नहीं बंद करने का, हाँ दोनों आंखें खोल के रखने का, तेरे को अभी दूसरा सरप्राइज दिखाने का है, हाँ? वो देख, देखो। अरे, ये क्या कर रहा है तू? छोड़ मुझे, छोड़ कुत्ते का, मेरे क्या चाहता है तू? छोड़, अरे कोई सुनो, कमीने तू क्या चाहता है? छोड़ मुझे। जाता हूँ। पिक्चर चालू है, गवाह बनने को आया। जब लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, इसका मतलब है तुम जबरदस्ती कर रहे हो। चलो शुक्रिया। फतेह, क्या हुआ दादा? हाँ। ये गुंडा मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है।
इन भाई साहब ने मेरी इज्जत बचाई। ठीक है चलो चलो। दादा थैंक यू तो कहने दो। नहीं नहीं हमको ये गुंडा मोले लोग के मुंह नहीं लगता है। सुनो तो चलो। ये निकल रहे हैं। ए, क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे साहब डैनी बाबा को कोई मार रहा है। अच्छा इतने जबरदस्ती कभी नहीं। थैंक्स, इसको सबक सिखाना जरूरी था। ओए, ओए तू है कौन? कोई नया थानेदार है, कलेक्टर है, कौन है तू? तेरे को क्या जरूरत पड़ी थी मेरी दुकान में घुस के हंगामा करने की? दुकान की ऐसी तैसी पीट दी। वो डैनी भाई था, डैनी जॉनी हैंडसम का छोटा भाई। और इससे पहले कि जॉनी गोवा से वापस चला आए, चले जाओ तुम यहाँ से। तू आया किधर से और हमारे एरिया में लफड़ा करने का लाइसेंस तेरे को दिया किसने? तूने मालूम है डैनी को मार के बहुत बड़ी गलती की है। अब जा यहाँ से, जा। गलत को गलत ना कहना सबसे बड़ी गलती है। ओए आप अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए और इस घर से चले जाइए। गुंडागर्दी करने के लिए बंबई में और भी बहुत सारे घर मिल जाएंगे यार। मैंने कोई गुंडागर्दी नहीं की, जो कर रहा था उसे सबक सिखाया। ओए ये तेरा मेरा पंजाब नहीं जहाँ बिना सोचे समझे आप किसी से भी भिड़ गए और बाद में मामला रफा दफा हो गया और फिर किसी ने सुलह कर दी और आपने समोसे खा लिए। और ये बंबई है बंबई, यहाँ आदमी अपने काम से काम रखता है। कुछ भी करने से पहले आदमी सोचते हैं समझते हैं डरते हैं यार। लेकिन मैं क्यों डरूं? जिसने गलत काम किया है वो डरे? और मैं तेरे से बहस नहीं करना चाहता यार। मैं नहीं चाहता कि इस घर में गुंडे बदमाश है। तू जा यहाँ से, दबा हो जा यार। एक मिनट गो। ओ कम ऑन डैड, अगर यही बात मेरे साथ हुई होती तब भी आप यही कहते? यू शट अप, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। यू शट अप। पहली बार आपके गाँव से कायदे का आदमी आया है और तुम उसे घर से निकाल रहे हो। मगर अभी तो तुमने कहा था गोविंद भैया ने कोई गलत काम नहीं किया, आप क्यों उन्हें जाने के लिए कह रहे हैं? गोविंद तुम कहीं नहीं जाओगे, देखती हूँ इस घर से तुम्हें कौन निकालता है। ओ यार मैं औरतों को समझता ही नहीं। तुम्हें रखना तो रख लो, आ जाओ जी वापस आ जाओ और समोसे खा के जाओ और आलू का पराठा आ जाओ। अब जाने भी दो गोविंद, तुम्हें डैड की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, वो हवा की तरह रुख बदलते रहते हैं। नहीं नहीं मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। अगर उन्होंने उस लड़की की चीख सुनी होती तो ऐसा नहीं कहते। लेकिन जिन्होंने चीख सुनी उन्होंने कुछ नहीं कहा, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। उन लोगों को अपनी लड़ाई से फुर्सत नहीं, वो दूसरों के लिए क्या लड़ेंगे? अगर वो लोग चुप बैठते मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन उल्टा उन्होंने मुझे ही भला बुरा कहा। ओ कम ऑन गोविंद, अगर 40 लोगों ने बुरा भला कहा तो 4 ने अच्छा भी तो कहा ना। और 4 से 40 और 40 से 40,000 होते देर नहीं लगती। तो ये तेरा भाई है गोविंद? चल घर चलते हैं। एक मिनट, मुझको जानता है मैं कौन हूं? नहीं, मैं जॉनी हैंडसम, तेरी बहन को मैं इधर लाया हूं। क्यों भाई, ये कहां की शराफत हुई? तुमने मेरे भाई डैनी को मारा, वो कहाँ की शराफत थी? ओ, तो आप उनके बड़े भाई साहब हैं? यस। देखिए
आपका भाई एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था, इसलिए मुझे उसे सबक सिखाना पड़ा। आप उसके बड़े भाई हैं, आप उसे समझाइए कि वो ऐसे ना किया करे। All Indians are my brothers and sisters. तू इंडिया की सब बहनों का बॉडीगार्ड है। जो भी उनको छेड़ेगा तू उनको मारेगा। क्यों? दूसरों की बहनें बहनें नहीं होती क्या? अच्छा, अगर मैं तेरी बहन को छेड़ेगा तो क्या तू मुझे भी मारेगा? रत्ना चलो। लोगों का यही हाल होना चाहिए। आपको देख के लगा था कि आप एक शरीफ आदमी हैं, अपने भाई को समझाएंगे, लेकिन आप तो उससे भी घटिया निकले। ये साले घटिया ही नहीं, कमीने भी हैं। लोगों को डराते धमकाते, मेरे परिवार को मारने की धमकी दी थी। याद है मुझे भी एक बार पागल बनने पे मजबूर किया था तुमने? याद है साले हरामजादे? साला हल्के भिखारी, हमसे हफ्ता लेता है, नवा नवा कपड़ा पहनता है, अपने आप को हैंडसम बुलाता है। अरे ये तो भिखारी है भिखारी। हमारे गांव में ऐसे लोगों को नंगा करके, गंजा करके, सारे मोहल्ले में घुमाकर भिखारी बनाकर छोड़ देते हैं। ये भिखारी है, भिखारी। हम छोटा भिखारी, ये साला बड़ा भिखारी। अरे ये भिखारी के पास साला कपड़ा है और हम नंगा है। हाँ हम नंगा है। इस साले को नंगा कर दो। अरे चलो इसको नंगा कर दो।
अब्बा। ए, क्या हो रहा जानी को? सुना खाना पीना नहीं खाया? ये छोटा मोटा बात तो होता ही रहता है। किधर है वो? ए जानी, कह रहे क्या ये छोटा बच्चा की तरह रोता है? अभी हम आ गया ना सदानंद कुट्टी, सब ठीक हो जाएगा। देख जाने, आपस का दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन अगर कोई बाहर वाला दुश्मनी करेगा ना तो हम सब एक है, मिलकर छील डालेगा राम को। ओ पंदीना कुड़का ने, तेरे को सबका सामने मार के हमारा साथ दुश्मनी का छोटा लाइन खींचा, अभी हम सारा पब्लिक का सामने उस साला को फिनिश करके पब्लिक का दिल में डर का एकदम लंबा लाइन खींचेगा। चल तू खाना खा। हाँ तू खाना खा। करीम खान की तलवार की धार अभी देखी नहीं उसने? किधर मिलेगा वो आराम? तो अभी चले क्या? तो और क्या? ए, अब भी मैटर फिनिश करने का। अभी दफना के आते हैं हराम को। चलो। रामशरण जी यहाँ के समाज सेवक, हम इनकी हर बात मानते हैं। नमस्ते जी, मैं गोविंद नारंग हूँ, आपने मुझे बुलाया। जानता हूँ भाई, जानता हूँ, तुम्हारा नाम तो अब सभी लोग जान गए। तुमने तो इन्हें जॉनी के गुंडा राज से छुटकारा दिलाया। देखो ये सब ना तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। अब तो तुम ही हमारे नए मसीहा हो, इसलिए हम ठेले वाले जो हफ्ता या टैक्स जॉनी भाई को दिया करते थे अब तुम्हें दिया करेंगे। हम शॉपकीपर्स ने भी यही फैसला किया है। हाँ, और हम सब नवजीवन कॉलोनी वालों का चंदा या टैक्स जो भी बनता था वो अब हम तुम्हें दिया करेंगे। डेफिनेटली, तुम तो लायक भी हो लेने के लिए। जी आप लोग गलत सोच रहे हैं, मैं कोई मसीहा नहीं हूँ। टैक्स के असली हकदार तो सरकार है। आप लोग टैक्स ईमानदारी से सरकार को दीजिए। कौन रे वो कुत्ता? Thank you.
अरे हरामी, बहुत भगाया। इससे पहले और भगाए, छोटा छोटा पीसेस करो इसका। जाओ तबला ना साले को यहीं पर। कहाँ जा रहे साले को? गोविंद, तुम्हें वापस घर में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अंत भला तो सब भला। जी हाँ। अब अगर तुम ठीक हो गए हो तो बताओ आगे क्या सोचा है? जी, अब मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। इसी के बारे में आपसे राय लेनी थी। तो ऐसा करते हैं, मार्केट चलते हैं, बाकी लोगों से भी पूछ लेते हैं। ये कौन है? नंदा साहब के कोई रिश्तेदार लगते हैं, लगता है पंजाब से आए हैं। ओए नंदा, ए शाम को बराबर गाड़ी चला के बाड़ा लेके आने का, ठीक है? ठीक है। हां नंदा, ओए नंदा टकले, ओए नंदा नंदा। हां जी सत श्री अकाल जी। हां जी मैं बलराज नंदा। तुसी मेनू नहीं पहचानिया? नहीं जी मैं तुहानू नहीं पहचानिया। तुसी कौन हो? ओ मेनू नहीं पहचानिया? नहीं जी मैं तुहानू कह रहा हां मैं तुहानू नहीं पहचानिया। ओए नंदा तू हो गया अंधा, तू मैनू नहीं पहचानिया। ओए छड्डो ए मजाक ना करो ए। ओ सजड़ी किते सजड़ी सजड़ी सजड़ी। हां ओ सरदार जी रुको। तू ओए सजड़ी, ओए सजड़ी, ओए सजड़ी। ओ की हाल तो की हाल है सरदार जी? पागल हो गए की कर रहे हो तुसी? एक मिनट यार सवाल हो गया, किड्डी बड़ी हो गई है, इन्नी नी सी थी यार, मैंने भूल गई। तुसी हो कौन? हो कौन है? ओ बैठ के टीवी देख रही है, बीवी नहीं बननी तानू। चाचा जी कौन है ये? ओ मैं तानू नहीं पहचाना, तू की कर रहे हो इत्थे? यार गल ना कर यार, एक देवा फिर। मैं मुंडा लेके के आया जलंधर तो, ऑटो चलांदा है, चंगा मुंडा है। सजरी दी गल कीती थी। ओ मैं तानू किया ना, मैं तानू नहीं पहचानिया, तू हो कौन यार? नहीं पहचानिया? हां ए भी नहीं पहचान रही है, तू भी नहीं पहचान रहे हो।
सरदार जी मैं तुम्हें पहचान लिया। हाँ जी आजा, ऑटो वाला, ऑटो वाला। नदनी पुत्र तू बाहर जा, बाहर जा, मैं सरदार जी की खातिर करांगा। हाँ जी हाँ जी, दरवाजा बंद। सरदार जी आ रहे आ रहे, फिक्र मत करो, ऑटो। ओ जी ऐ दरवाजा भी बंद, लो जी फोन होगी खातिर, ऑटो वाला, ऑटो वाला। हाँ जी हाँ जी, आओ जी, लो जी मद्रासी सरदार जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी, आ ए आ ओ तड़ी ए तड़ी ए तेरी नहीं रहा है बाहर बन के तड़ी ए तड़ी ए तड़ी ए तड़ी नहीं रहा है बाहर बन के क्या रे एक जगह मारता अम्मा ओए तेरी तड़ी आ अस्किरी मालूम नहीं क्या हुआ रजनी अन्ना अस्किरी मालूम नहीं एक ही जगह मारता मालूम कितना तकलीफ होता भाई कितना मेहनत करके मैक पकड़ के आया ये आदमी मारता मेरे को सजड़ी तू डरना नहीं मैं आएगा रजनी पीछे हट लोग भेष बदल कर आ रहे हैं हमारे घर में यहाँ क्या हो रहा है ओए तू चुप कर मैनू पता है थे की हो रहा है ओए तू मंडा नहीं नहीं चाचा जी मैं ओए नु छोड़ो को गोविंद और तू हट जा सामने तो लड़े से ले लड़े से ले लड़े आए भाई जी इधर आइए इधर आइए इधर और जो माल अंदर 200 का मिलेगा ना इधर 50 रुपए का पड़ेगा आइए आइए जल्दी आइए जल्दी आइए बोले कीजिए आइए 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 जल्दी आइए क्या बोला तू मेरी दुकान के सामने ठेला लगा तो ऊपर से मेरा ही ग्राहक तोड़ता है चल हटा यहां से अपना ठेला ए ठेला इधर ही रहेगा तेरे को जो करना है कर ले हाँ बोले बहन जी वो सब जॉनी के दम पे था अभी उसका बाप भी कुछ नहीं कर सकता देखता हूँ तेरा ठेला यहाँ कैसे रहता है ए चल जा अंदर ए बुढ़ा ए क्या बोल दे रहा है साला जॉनी इधर हो ना हो हम लोग इधर ही धंधा करेगा लफड़ा मत कर बहुत भारी पड़ेगा तेरे को क्या बात है भाई क्या हुआ सुना देव साहब क्या बोल रहा है ये क्यों रे एक तो तुम सब यहाँ गैर कानूनी ठेला लगाता है ऊपर से दादागिरी करता है पूरी मार्केट गिरवा देंगे हमारा ठेला तोड़ा तो तुम्हारी दुकान भी तोड़ेंगे हम लोग तेरी यही हिम्मत तू हमारी दुकान तोड़ेगा धमकी देता है तू ऐसा ही समझ बुढ़ो थोपड़ा तोड़ूंगा साहब एक मिनट क्या कर रहे हो आप लोग क्या कर रहे हो अरे एक मिनट बोलता कि थोड़ा तोड़ देगा मेरा क्या करेगा बोलता है धंधा इधर से हटा हम किधर जाएगा तो फिर सस्ते में माल बेच के हमारे धंधा का ही कुछ होता है हमारा माल हम कितने में और राम सर जी आप बताओ ऐसे में हम अपनी दुकानें कैसे चलाएं ए पगड़े सरदार जी ऐसे में तो किसी का भी धंधा नहीं चलेगा कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा ना हाँ गोविंद जी आप ही कोई हल निकालो हाँ गोविंद पुत्र जैसे तुमने जॉनी को यहाँ से निकाला इन भिखारियों को भी निकालो एक मिनट बात सुनो रुक जाओ देखो गोविंद कोई ना कोई हल निकालेगा लेकिन आप सबको भी उसकी बात माननी पड़ेगी बोलो मंजूर है सरदार जी मंजूर है रामशरण जी मैं तो इनकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ लेकिन इस समस्या का हल इतना आसान है गोविंद अब कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा वो कहते हैं ना जहाँ चाह है वहाँ राह है मेरे ख्याल से सब आ गए हैं गोविंद तुम ही समझाओ तो बेहतर रहेगा हाँ सुनिए देखिए आप सबकी समस्या का एक हल हमने सोचा इसीलिए हॉकर्स भाइयों के साथ साथ दुकानदारों को भी यहाँ बुलाया ये रघुनाथ रेड्डी जी हैं हरिओम नामक एक संस्था के ट्रस्टी इनकी संस्था जरूरतमंद लोगों की मदद करती है और हमारी समस्या सुनने के बाद ये लोग हमारी भी मदद करने के लिए तैयार हैं आज इस जमीन की कीमत मार्केट में 2 करोड़ रुपये है जो रेड्डी साहब हमें 1 करोड़ रुपये में देने के लिए तैयार है उसमें से 50 लाख रुपये हमें अभी देने पड़ेंगे और बाकी के 50 लाख आसान किस्तों में देखिए अगर आप लोगों ने 25,000 रुपये भी जमा किए तो 40 लाख हो जाते हैं और बाकी के 10 लाख दुकानदार भाइयों से जमा कर लेंगे बोलिए आप लोगों को मंजूर है और क्योंकि गोविंद ने हमें राह दिखाई है इसलिए इस मार्केट का नाम भी गोविंद मार्केट होना चाहिए बिल्कुल भाई बिल्कुल गोविंद मार्केट जो भीड़ में तन्हा चलता है सबसे आगे वो निकलता है जो कड़ी धूप में जलता है
पलता है, जो होता सच्चा अभिमानी वो देता है हर कुर्बानी। ये दुनिया उस पे नाज करे जो बढ़कर आगे आगाज करे, आगाज करे, आओ मिलके आगाज करें। तुम मिली है मेरे को कितने दिनों के बाद, गले लगे गर्मी बुझा दे आज। गर्मी बुझाओ, ठंडा पियो। साहब आ गया तेरा गर्मी बुझाने वाला। अरे पैतकार यार, नहीं उंगली मत कर मेरे को मोहब्बत के बीच में, मैं तो दफना दूंगा तेरे को जू के बीच में। ओए तू मोहब्बत ही करता रहेगा या शादी शादी भी करेगा? ना मैं हूँ निकम्मा, ना तू है निकम्मी। शादी करके हम दोनों बनेंगे डैडी और मम्मी। ले कर ले गल, आटे दाल दा भाव पता है तेनु? डैडी बनेगा, खिलाएगा क्या? जा तेरा राशन वाला भी आ गया, तो चार बारी चक्के रख ले, बच्चे आधे कम आएगी। कम आएंगी साले, दुनिया से कम करता हूँ। डाई मेरे बच्चे को कड़े कड़े बेमत मार देगा। चल रहे, चल हट साला। या एक बात बता, तू मद्रासी मैं पंजाबी, कैसा होगी शादी? मक्के की रोटी सांभर से खाएंगे, धर्मेंद्र हेमा के माफिक हम भी शादी बनाएंगे। और शादी की बात कौन करेगा? कल ही आऊंगा टकले से बात करने घर तेरे। टकला माना तो ठीक, नहीं तो बिन पैरे हम तेरे। जा तेरा नया रिश्तेदार आ गया, हुण वे की बेच रहा है। क्या बेच रहा रे, क्या बेच रहा रे साला, तेरे को बेचने के लिए यही आटो मिला रे साला। गन्ना बेच रहे तेरा रिश्तेदार। गन्ना आटो में डालने वाला गन्ना कौन रे बदतमीजी, एक जमा में तो उतर जाएगा पैंट कमीज। अरे मेरी पैंट कमीज उतारेगा तू? चल मैं तेरी उतारता हूँ, चल चल। तू इसको लेकर गया था मस्करी में थोड़ा वो? जो पूछ रहा उसका जवाब दे, तू इसको लेकर गया था? वो मेरे ऑटो में मस्करी में थोड़ा। चुप कर, तेरा इसका चक्कर चल रहा है? नहीं हाँ जी। तू इसके साथ खुश रहेगी? अरे सुन तू, तू इसको खुश रखेगा? ये थोड़ा चुप बैठेगा तो मैं इसको कुछ रखा। चुप कर, भैया गांव में सबको मेरा प्रणाम कहना और अतीत की इन यादों के साथ अपने अतीत को भी नदी में बहा देना। रत्ना और मैं भी तुम्हारे साथ चलते, लेकिन क्या करे कॉलेज से छुट्टी नहीं मिलेगी। मैं समझता हूँ पंजाबी अन्ना, मेरा भी दिल करता आपके साथ गांव चलो, उधर जाके हनीमून मनाओ, लेकिन क्या करेगा इधर सजनी अकेली है ना। ओए सजनी के रजनी, दिलशील काम वाम में भी लगा, समझा कि नहीं? हाँ क्या करता पागल है, डराता है। मैं चलता हूँ चाचा जी, रत्ना का ख्याल रखिएगा। और तू रत्ना की फिक्र मत कर, बस तू जल्दी जा और जल्दी आ। अगर हम इसी तरह मिलजुल के काम करते रहे हाँ। तो जल्दी गोविंद मार्केट बन के तैयार हो जाएगी हाँ। हाँ। मेरा पाव भाजी का दुकान उधर कोने में और मेरी दुकान वाह वो उस तरफ वाह वाह और मेरी उस तरफ हाँ। अरे भाई पहले मार्केट तो बन जाने दो हाँ। फिर जगह भी तय कर लेंगे हैं। चंद्रू भाई यही जगह है ना? यहाँ कैसे? इस तरह से आप यहाँ मार्केट नहीं बना सकते, ये गैर कानूनी है, मुझे ये सब हटाना होगा। ये जमीन हमारी है, 50 लाख दिया हमने इसके लिए। हाँ, इंस्पेक्टर साहब ये जमीन हमने इसके मालिक रघुनाथ रेड्डी से खरीदी है। हाँ, कौन रघुनाथ रेड्डी? इस जमीन का मालिक मैं हूँ, चंद्रू तोलानी, ये इसके कागजात। ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। देखिए देखिए साहब आपको गलत फहमी हुई है, गोविंद खुद 50 लाख रुपए दे कर आया है। देखिए किसी ने बेवकूफ बनाया आपको, 10 करोड़ की जमीन 50 लाख में? अरे बहुत बड़ा धोखा दिया है आपको। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कुछ नहीं जानता इंस्पेक्टर, ये सब खाली करवाओ। आप जाकर बाहर बैठ के मैं जमीन खाली करवाता हूँ। ठीक है जल्दी करवाओ, चलाओ। ऐसे कैसे खाली करवाओ? Yeah.
से पेपर लेकर आओ। अभी जाओ। जाओ, अभी। ओम नमो राय पितरो, ओम नमो शेषा पितरो, ओम नमो गुणेन्द्र पितरो, पितरे नमः, पितरे नमः, ओम हो गया ये सब। हमारी जमीन गई, हमारे पैसे गए, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। शेख रघुनाथ रेड्डी को लाने गया है, थोड़ा सब्र करो, उसे आ तो जाने दो। आखिर कब तक? रामचरण जी गड़बड़ हो गई ना, तो वहाँ रघुनाथ रेड्डी है ना, हरिओम संस्था का ऑफिस, वहाँ तो किसी को कुछ पता ही नहीं। क्या बात है? अरे तुम गरीब लोगों का पैसा गया, ये देख के अपन के दिल को वो टच कर गया यार। साला वो रघुनाथ रेड्डी भी गायब, हफीज भी गायब, पैसा भी गायब। अरे जिसने वो पैसा दिया वो गोविंद भी गायब हो जाएगा। तुम हमारे बीच में मत बोलो। अरे हम तो बर्बाद हो गए, किसी को छोड़ेंगे नहीं हम। हमारा खून बहाए, हम भी खून बहाएंगे। गोविंद के घर चलते हैं। ठीक है ठीक है, गोविंद के घर जाओ, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। ये लो रत्न, अगर आप ये पॉइंट समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं है माय लॉर्ड, मैं इजाजत चाहूंगा। अरे भाई ये इजाजत तो सिर्फ रत्ना ही दे सकती है। चुप। क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसा बोल रहे थे, कुछ मालूम ही नहीं है। हुआ क्या है? अरे वो गोविंद हम लोगों का 50 लाख रुपए लेके भाग गया है। वो गोविंद किसी का पैसा लेकर नहीं भाग सकता, आप लोगों को गलतफहमी हुई है, गोविंद ऐसा नहीं है यार। वही बोल रहे, मेरा बात सुनते। अरे हम लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई उसको दी थी, वो साला हम लोगों के पैसे लेके भाग गया। निकालो चोर को घर से। मेरी बात। अरे गोविंद ये तो क्या हुआ, उसकी बहन तो है। चलाओ चलाओ। पाजी, हाँ जी, दो हर गोविंदपुर स्पेशल देना मलाई डाल के। ते पानी कम फटाफट। ओ ले लो जी फटाफट गर्मा गर्म। ड्राइवर साहब बस जरा जल्दी निकालेंगे, मेरी बेबी प्रेग्नेंट है, उसे अस्पताल ले जाना है, जल्दी जल्दी प्लीज। देखो भाई साहब ये बस आधे घंटे बाद निकलेगी, ये रोडवेज का रूल है। क्यों? और की पहले जाते प्रॉब्लम, बाद जाते प्रॉब्लम, साले प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। देख तू अभी जा और आधे घंटे बाद आ। आधे घंटे में तो मर जाएगी वो। तो हम क्या करें भाई साहब, गवर्नमेंट के वफादार नौकर जो है, कानून नियम तो मानना ही पड़ेगा ना। गोविंद पाजी,
गोविंद भाजी। ओए उसके पास की भेज आ रहा है। अरे वो तो हमसे भी ज्यादा कानून और नियम मानते हैं। गोविंद भाजी वो देखिए मेरी बीवी कैसे दर्द से तड़प रही है, उसकी हालत ठीक नहीं है, उसे जल्दी अस्पताल नहीं ले गए तो कुछ भी हो सकता है। आपकी बात तो सारा गाँव मानता है, प्लीज आप इनको चलने के लिए कहिए ना, शायद वो मान जाए। वो तो ठीक है लेकिन कायदा कानून भी तो कुछ होता है ना। क्यों बाजी? और की समझदार नहीं बेवकूफ कहीं का। तुम ऐसा करो अपनी बीवी के पास जाकर बैठो, बस सही वक्त पर निकलेगी, जाओ जाओ मेरी बात मानो। सबर कर, पुत्र अनु बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ इंतजाम कर। तुम भी करो, मैं कहीं और गाड़ी का बंदोबस्त करता हूँ। पापा जी। हाँ जी। कितने पैसे हुए? 2 रुपए 12 ने जी। हाँ समझ गया प्राजी। अरे इस दूध की चाय किसी को पिलाई तो नहीं? हाँ अभी अभी वो भाई लोग को दी है। आप लोगों ने चाय पी? हाँ क्यों की हो या भाई? अरे इसमें तो चिपकली है, जहर होगा ना। अबे ओए अरे क्या करते हैं आप लोग हा? अरे प्राजी मैंने देखा ही नहीं, चाय पिलाते हैं सबको। अरे तो मेरा जहर हो गया होगा, अब मैं क्या करूँ, ये दोनों तो मर जाएंगे। प्राजी महंगी पैगी प्राजी। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग, कहाँ जा रहे हैं? जान दो, 80 बार जाओगे। अभी आधा घंटा बाकी है, हमें जाने दो भाई, हम मर जाएंगे। अरे आप लोग तो सरकार के वफादार नौकर हैं, नियम और कानून आप लोग तोड़ेंगे तो कौन रखेगा? अभी बस समय पर जाएगी आधे घंटे बाद। अरे भाई आधे घंटे में नहीं, आधे घंटे में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ लेकिन अपने लिए नियम और कानून तोड़ोगे, उनके लिए नहीं है? अरे मेरे भाई हम उनको भी ले जाएंगे। आ मेरी माँ। हाँ सुनो 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 सुनो, दूध में चिपकली नहीं थी, मैं झूठ बोल रहा था, लेकिन आप उनको लेकर जरूर जाइए, समझे? जाओ चलो जाओ। अरे खोल, खोल। सुनो नियम और कानून इंसानों के लिए होता है, इंसान नियम और कानून के लिए नहीं होते। किसी की जान से बढ़कर कोई नियम कोई कानून कोई नौकरी नहीं होती, समझे? हम समझ गए, अस याद रखेंगे पाजी। चलो गोविंद तुम सबके साथ तो इंसाफ करते हो, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो? उठो ना गोविंद, कितना सोगे, सोते रहोगे क्या? हाँ उठो ना गोविंद, क्यों सो रहे हो? सो नहीं रहा हूँ, तुम्हारे साथ अपने सपनों की दुनिया में खो गया हूँ। मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ और आप हैं कि सपने देख रहे हैं, उठो ना। मैं 2 महीने ट्रेनिंग पे जा रही हूँ और पुलिस ऑफिसर बन के वापस आऊंगी, पर तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है, तुम सपने देख रहे हो, उठो ना। और क्या, कल तुम चली जाओगी, उसके बाद क्या करूँगा, सपने ही तो देखूंगा ना। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, ऐसे ही गुजर जाएंगे, मैं यूं गई और यूं आई, तुम देखना। और हाँ लौटते ही सीधा स्टेशन से तुम्हारे घर आऊंगी और शादी करेंगे। क्या बात है, मेरे मन की बात तुम्हारे मन ने कैसे जानी? एक जो है मैं आज बहुत खुश हूँ गोविंद, अपनी सपनों की दुनिया में मुझे भी ले चलो ना। दुनिया को अच्छाई बुराई की शिक्षा देता हूँ मैं, और मेरे ही अपने घर में लोग थूकेंगे हम पर, थूकेंगे जानकी थूकेंगे, इतना बड़ा बोझ लेकर कैसे जीऊंगा मैं? अरे ये सब होने से पहले इसकी जान भी ले लेता था। हटाओ हटाओ इसको मेरी नजरों के सामने, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, हटाओ ले जाओ इसको यहाँ से। मासी जी, मासी जी, मासी जी, मासी जी क्या हुआ? अब होने को क्या बचा है गोविंद, सब कुछ खत्म हो गया, मेरी इज्जत शर्म सब कुछ, सब कुछ। मासी जी बेटे एक काम करो, कहीं से जहर ला के दे दो मुझे। ऐसा क्या हुआ मासी जी, अब आज्ञा दीजिए ना, मैं कुछ करता हूँ, मैं हूँ ना। मेरी बेटी पुष्पा से शादी करके उसके पेट में पल रहे बच्चे को अपना नाम दे दो गोविंद, अपना नाम दे दो। मासी जी मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरे घर की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे बचा लो, मेरे घर की इज्जत बचा लो, नहीं तो मैं लुट जाऊंगा। ये तो अच्छा है कि लक्ष्मण यहाँ नहीं है, नहीं तो मार ही डालता इसे। आप आराम कीजिए मासी जी, आराम कीजिए। मासी जी मैडम आप जल्दी आ गई। मुझे किसी को सरप्राइज देना, आप चलिए मैं आती हूँ। मैं यूं गई और यूं आई, और हाँ
लौटते ही सीधा स्टेशन से तुम्हारे घर आऊंगी और शादी करेंगे। मिस्टर गोविंद नारंग, लुक्स लाइक आई हैव टू अरेस्ट यू टुडे। आई एम कमिंग फॉर यू। कैसी हो? ये गोविंद, वो सुधा दीदी, ये है पुष्पा भाभी, गोविंद भैया की इनसे शादी हुई है। और भाभी ये है सुधा दीदी, गोविंद भैया की दोस्त। कैसी हो सुधा? सुधा, मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मैं जानता हूँ कि मेरा यहाँ आने का और तुमसे कुछ कहने का हक नहीं बनता मेरा, लेकिन बोलते रहो, सुन रही। देखो, मेरा साला यहाँ आया हुआ है और मैं ये नहीं चाहता कि उसकी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो। जाओ यहाँ से प्लीज। तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकते हो? मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं रुकी हूँ, मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। इस गांव में मेरी पोस्टिंग हुई है गोविंद। देखो, मैं तुमसे ये नहीं पूछती कि तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की, एक पल में इतना पराया क्यों बना दिया, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम्हारे पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है। देखो, मैं तो यहां सिर्फ समझाने आया था, आगे तुम्हारी मर्जी। शुक्रिया गोविंद नारंग, थैंक यू। देखिए ना वीर जी, इनको पता है कि आप आ रहे हो, फिर भी वो घर पर नहीं है। इससे अच्छा होता कि मेरी शादी नहीं होती। शादीशुदा होते हुए भी विधवा जैसी जिंदगी गुजार रही हूं। बस कर पुष्पा, बस कर, मेरा खून खौलता है सब सुनकर। मैं यहां 2 महीना नहीं था, उसने अपने प्यार के जाल में फंस कर तुझे शादी से पहले पेट से कर दिया। इसी सदमे की वजह से बाबूजी की मौत हो गई। लानत ऐसे ट्रक ड्राइवर की नौकरी पर। अगर मैं यहां पे होता तो उस हरामजादे को यही काट डालता। अरे क्या नहीं किया बाबूजी ने उसके लिए, पढ़ाया लिखाया, समाज में रहने लायक बनाया, और उसने छह शर्म आती उस हरामजादे को अपना दोस्त कहते हुए। कैसा है लक्ष्मण? खाना खाया तूने? खाने की बात छोड़, तू मेरी बहन के साथ ठीक नहीं कर रहा है। उसे उसका हक देना, वरना तू मेरा गुस्सा जानता है। चुप रहने से काम नहीं चलेगा, भूल गया क्या? बाबूजी कितना एहसान है तुझ पर। पुष्पा तेरी पत्नी है और तेरे होने वाले बच्चे की माँ। छोड़ ये सब बाहर के चक्कर। अरे तेरी जगह कोई दूसरा होता ना, गर्दन काट के मेज पे रख देता। बहुत सहन कर चुका हूँ मैं। सहन करने के लिए मैं हूँ ना वीर जी, पत्नी मैं हूँ, और हक हक उस पुलिस वाली के पास है, और ये उसके। बस भी कीजिए ना आप लोग, बहुत बोल। मुझसे क्यों नहीं बात करता? अरे बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? दीवारों से नहीं बातें कर रहा हूँ मैं। ये कभी कुछ बोले हैं जो आज बोलेंगे? बस खाते रहेंगे। अरे बोलता क्यों नहीं है? अरे साले की अकड़ तो देख। भैया जाने दो वीर जी, जा रहे होंगे उनकी महबूबा के पास। तू फिक्र मत कर, मैं आ गया हूं ना, एक एक से हिसाब लूंगा, चाहे वो तेरा पति हो या वो कमीनी पुलिस वाली। ओए है की तो सारी जनानियां इतो की थो आ रही हैं। ऐसी हो रिया। ओए भाई साहब, ओए रुको, ए थानेदार जी से मिल रहा है, रुको चला रुको। अरे ओ भाई, ए कमाल है यार, रुको भाई। ओए ए
मेरा खानदान नहीं बाहर आ। मैडम वो बाहर बहुत सी लड़ी जी आपको बुला। बजाओ और जोर से बजाओ। ए आप लोगों ने बजाना क्यों बंद कर दिया? क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? ए जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। गांव वालों, यही वो औरत है जिसने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया है। इस गंदगी को यहाँ से निकालना पड़ेगा। आज मेरा पति है, कल किसी और का होगा, ये कब तक चलेगा? ऐसी औरत को यहाँ से भगाना ही होगा। तेरी बोलती क्यों बंद हो गई रे? सांप सुन गया क्या? क्यों बहनों, आप लोग क्या चाहते कि आपके पति भी इसके साथ भाग जाए क्या? इसे गांव में रहने कोई हक नहीं है। मारो इसको, मारो, निकालो यहाँ से। सर जी, मैं गोविंदपुर तो सुखवंत सिंह बोल रहा हूँ। यहाँ लेडीज ने बहुत गड़बड़ कर दी है जी, आप जल्दी आ जाइए प्लीज सर। बस, बस बहुत हो गया, जो जी में आ रहा है बोले चले जा रहे हैं आप लोग। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। मेरी विनती है आप सबसे पीछे हट जाइए, नहीं तो मुझे सबको अरेस्ट करना पड़ेगा। मूव इट, मूव बैक, जाइए, मूव इट। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, ये मत समझना मैं तेरे से डर गया, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। चल बहना। मैडम सर की बस आ गई। जनाब ये साले बस वाले भी पीके चलाते हैं तेरी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सॉरी सर, आपको खामखा इतनी दूर आना पड़ा। खामखा क्यों? तुम्हारे यहाँ से तो फोन आया था। क्या गड़बड़ हो गई है? जी सर, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल नाउ। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। गोविंद नारंग को जानती हो? हाँ। क्यों सर, कोई बात हो गई? किसी को बताना मत। हाँ? वो जो गोविंद की बीवी है ना, पुष्पा, वो मेरी महबूबा है। चलो इसी बहाने पुष्पा से मिल लूंगा। अरे अच्छी खासी दोस्ती यारी चल रही थी हमारी, पेट से हो गई साली, बोली शादी कर ले। मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूं, तब भी उसके बाप को बोला रखता हूं, उसका खर्चा दूंगा, बड्डा भड़क गया। ठीक है, बाद में बुड्ढे ने अपनी बातों में फंसा कर उसे गोविंद के गले बांध दिया। साला हरामखोर, हो गई गोविंद की शादी पुष्पा से। बेचारा वो तो किसी और से करने वाला था, उसने तो आज तक पुष्पा को छुआ तक नहीं, और तो और मेरे बच्चे को भी उसने अपना नाम दे दिया। यकीन नहीं होता, आला आज के जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, या ना नहीं, मैं अभी आता हूँ। क्या देख रही है पुष्पा? चांद ढूंढ रही हूं। आज करवा चौथ है ना, इन सब रिवाजों से मुझे नफरत है। करवा चौथ है तो बीवी उपास रखे,
सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे इस चांद को भी आज ही छुपना था। अरे मेरी बहन खुद चांद जैसी है, उसे चांद की क्या जरूरत, चला खाना खाते। नहीं बीजी, पति के हाथ से खाना खाते है ना। अरे तेरा पति नहीं आएगा तो क्या भूखे मरेगी, चला खाना खाते। नहीं बीजी, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अब यहाँ बैठ आराम से, आज मैं अपने हाथ से ले लूंगा। मेरी बहन अब बहुत भूखी है, ये ले। याद है बचपन में हमेशा मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिलाता था, तेरा भाई तुझे बहुत प्यार करता है। वीर जी, आप जैसा भाई हर जन्म में मिले, लेकिन ऐसा धोखेबाज पति भगवान दुश्मन को भी ना दे। तू उल्टी सीधी बातें छोड़, तू खाना खाना बेटा। नहीं वीर जी, मेरा पेट भर गया। तेरा पेट भरा होगा लेकिन उसका आज से तुझे डबल खाना चाहिए, थोड़ा अपने लिए थोड़ा उसके लिए, ये ले खा ले। जिद्दी हो गई है तू। वीर जी, मेरे अंदर क्या कमी है जो मेरा पति मेरी ओर देखता भी नहीं है। अरे उसकी नजरें कमजोर है जो तुझे पहचान नहीं पाया। अब बातें कम और खाना ज्यादा, ये ले। क्या हुआ? वीर जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बदमाश लात मारेगा तुझे। ए बदमाश, मेरी बहन को तकलीफ दी ना, बाहर निकलेगा तो नाक काट लूंगा तेरी। ये ले खाना खा, उसके लिए खा। नहीं वीर जी, पेट में बहुत जलन हो रही है। अरे पुष्पा, ऐसी हालत में ऐसा होता है, सब ठीक हो जाए, खाना खा ले। डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर? अरे क्या करेगी तू डॉक्टर के पास जाके? मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी वीर जी। वही तो मैं चाहता हूँ कि तू मर जाए। क्या? हाँ, इसीलिए मैंने तेरे खाने पे जहर डाल दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे सच्चाई पता चल गई है, दोषी गोविंद नहीं, दोषी तू है पुष्पा। हाँ तू, तेरे पेट में उस कमी ने पुलिस वाले का पाप पल रहा था, तेरे यार ने सर झुकल दिया तो उस हरामजादे को वहीं मार डाला, और अब तू मरेगी। मुझे बचाओ वीर जी, मुझे बचाओ। नहीं, तुझे जीने का कोई हक नहीं है, तेरी इस हरकत की वजह सारे खानदान की इज्जत नीलाम हो गई, तेरी वजह से बाबूजी मर गए, तेरी वजह से माँ मर गई, तेरी वजह से मैंने उस देवता समान गोविंद पर शक किया। तेरी गलती माफी लायक नहीं है पुष्पा, तू मर जा पुष्पा, तू मर जा। वीर जी, मेरे बच्चे को तो बचा लो। नहीं, इस पाप को इस पवित्र मंदिर में जन्म नहीं लेना चाहिए, तेरे साथ देवी मरेगा। तू मर जा पुष्पा, तू मर जा। नहीं वीर जी। नहीं, तू रोएगी तो तुझे बचाने को जी करेगा। तू जानते है मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तू मर जा पुष्पा, तुझे इस पापी शरीर से छुटकारा मिल जाएगा, इसी में सबकी भलाई है। वीर जी, वीर जी। भाभी, भाभी क्या हुआ? Hey! कोई ऐसे हाथ नहीं लगाएगा। यहाँ से जा, जा। भैया, गोविंद भैया। ऐसे ही तड़प तड़प के मरेगी तू, कोई नहीं बचाएगा तुझे। पुष्पा, नहीं गोविंद, हट जाओ, लक्ष्मण हट जाओ, हाथ मत लगा, तू जानता नहीं। पुष्पा, पुष्पा, ये तूने क्या किया लक्ष्मण, ये तूने क्या किया, तू इंसान है या जानवर? आज तक जानवर ही था, इसे मारकर इंसान बना। गोविंद, भगवान शंकर के साथ पार्वती अच्छी लगती है, ऐसी औरतें नहीं, इसकी वजह से मैंने तुझे अपने माँ बाप का कातिल समझा, कितनी बार तुझे भला बुरा कहा लेकिन तूने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, तू
महान है गोविंद, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मुझे माफ कर। लाओ चाबियां दे दो, ये रहे घर के कागजात और चाबियां। गोविंद पुत्र, तू अपनी सारी जायदाद पंचायत दाना करके अपना गांव और मिट्टी छटके जा रहा है। जी, सोच रहा हूँ रत्ना को शहर ले जाऊंगा, वहां से पढ़ा लिखा कर कुछ बनाऊंगा। सरपंच जी, मेरी एक ख्वाहिश है कि इस घर में मासी जी के नाम का एक स्कूल और पिताजी के नाम से एक अस्पताल बनाया जाए। चलता हूँ। मेरी बहना जीती रहे पुत्र, वाहेगुरु खुश हो। चलो मेरे भाई ने प्यार और पैसा दोनों इंसानियत के लिए त्याग दिया, और जिस प्यार को भैया ने जुबान के लिए कुर्बान किया वो इसी की सुधा है। अगर आपको फिर भी लगता है कि ऐसा आदमी चोर और धोखेबाज हो सकता है तो फिर आपका जो जी चाहे वो कीजिए। हमें माफ कर दो बेटी, हमने गोविंद पर शक किया, हमारे इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। लेकिन हमारा क्या होगा, हमारा तो सब कुछ लूट गया, अब हम क्या करेंगे? हौसला रखिए, भैया को आने दीजिए, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। रामशरण जी, रामशरण जी। अरे कौन? ये क्या है, लोग मुझे चोर कह रहे हैं, क्या मैं चोर हूँ? मैं जानता हूँ बेटा कि तुम नेक इंसान हो, लेकिन ठेले वालों की जमीन और पैसा दोनों ही चले गए ना, वो रघुनाथ रेड्डी ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। लेकिन आप तो जानते हो उसे, आप ही ने तो मिलवाया था मुझसे, आपका तो मालूम होगा वो कहाँ रहता है। बहुत जगह ढूंढा बेटा लेकिन कहीं नहीं मिला। हाँ, एक जगह है, शायद वो वहां मिले, वो अक्सर यहाँ आता है, बल्कि ये जगह भी रघुनाथ रेड्डी की है। ये जगह तो बिल्कुल खाली है। खाली नहीं है बेटा, बन रही है। रघुनाथ जी, रघुनाथ जी, रेड्डी साहब, रेड्डी साहब, यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। रेड्डी साहब, बोलिए रामचरण जी, क्या हुआ? क्या हुआ? उन लोगों की जमीन गई, उनके पैसे गए, उनका खून बाहर, आप पूछे क्या हुआ? या तो उनके पैसे लौटा दीजिए या जमीन। देखो गोविंद, आपको तो उसके लिए हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज से बात करनी पड़ेगी। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज? अरे तुम उन्हें जानते हो? रामचरण जी भाग जाइए, हम फंस गए, भाग जाइए, हम फंस गए। मैं नहीं गोविंद, तुम फंस गए हो। किधर जाता है भाई? मैं तो समाज सेवक हूँ भाई, मेरा काम है सबकी सेवा करना। तुम्हें यहाँ लाके मैंने इनकी सेवा की है, क्यों ना? नहीं अप्पा, इतना हैरान क्यों? ये तो पहला सरप्राइज है। दूसरा सरप्राइज मैं तुझे आजाद नगर वालों के सामने दूंगा। चल। कॉलोनी वालों, बाहर निकलो, इधर देखो, ये नंजी गुड़का ने तुम लोगों के वास्ते पंगा लिया, अभी इसका क्या हालत किया हम लोग, देखो इधर देखो, ये तुम्हारा गॉडफादर। इसने तुम लोगों की मदद की थी ना, अब इसकी मदद के लिए नीचे आओ।
तालो। देखो ये कैसे तड़प रहा है, देखो। बहुत शौक है ना तेरे को भागने का, चल दिखा भाग के, लगा मिर्ची और भाग दिखा। अभी आंखें नहीं बंद करने का, हाँ दोनों आंखें खोल के रखने का, तेरे को अभी दूसरा सरप्राइज दिखाने का है, हाँ वो देख, देखो, हाँ तो पहने ना, यार तुम को बचा ले, शान हो गया वो, देख देख, इतने सारे पोस्टमैन, बोरिया भर के लेटर्स, ये मिर्जा साहब हमारी सोसाइटी में कोई फिल्म स्टार रहने आया है क्या? अरे आपके सामने एक शायर आजम बैठा है, वो किसी फिल्म स्टार से कम है क्या? देखो नहीं, कितनी सब फैन मेल आ गई। अरे जनाब मेरी शायरी के हिंदुस्तान में डंके बज रहे हैं, टनाटन 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 टनाटन। आओ भाई आओ, इसमें लड़कियों के खत कितने हैं? अरे भाई इतने सारे लेटर्स किसके लिए हैं? साहब है लेटर्स ना, लीगल नोटिस आए। अयो ये हमारे सोसाइटी में कौन इलीगल काम किया है जो ये लीगल नोटिस लेके आया है? अरे मेरे ख्याल में हमारे फ्लैट्स कहीं इलीगल जमीन पर तो नहीं है? अरे बिल्डर का नोटिस तो नहीं कहीं? अरे अगर ऐसी कोई बात होती ना तो हम सबको आती नोटिस ना। आओ सबके वास्ते है, ये लो अपना अपना नोटिस। बिल्ले अब्दुल रहमान, क्या रे क्या चाहिए, बख्शीश चाहिए? नहीं साहब लीगल नोटिस है। ये बख्शीश मेरे को किसने भेजा? साइन कीजिए। क्यों बच्चा मनी ऑर्डर लाए हो? नहीं सर ये तो लीगल नोटिस है। ओ गॉड लव लेटर्स? नहीं सर लीगल नोटिस है। लीगल नोटिस, लीगल नोटिस। अरे मेरी छिंची पोपली वाली बीगम ने। हेलो एवरीबॉडी, कहीं उसने तलाक ना। अरे क्या हुआ कि मिले ना सब के डाउन क्यों है जा रहे? अरे कि मिर्जा दा ये देखे की होच्चे। अरे क्या होच्चे होच्चे लगा रखी है यार, ये फिरंगियों की जबान में न जाने क्या लिखा है, अब मेरी समझ में तो आता नहीं। मैंने तालीम दारुल उलूम में हासिल की है, ये देखो शो मी क्या लिखा है। पूरा सोसाइटी को लीगल नोटिस है। आप लोग फिकर मत कीजिए, हम शाला इस लीगल नोटिस का मुंह तोड़ जवाब देगा उसको, हम उसको छोड़ेगा नहीं, देख लेगा उसको। अरे भाई किसको क्या लिखा है इसमें? वो चीट है, फ्रॉड है, धोखे बाज एक नंबर का। मगर कौन? अरे गोविंद का बच्चा। गोविंद शाला हम पर इल्जाम लगाया है, हमको लीगल नोटिस भेजा है कि हम यहाँ पर इस बिल्डिंग में उसका बहन का रेप किया है। हाँ? और उस पर हमला किया। देखा आप लोगों ने कैसी बकवास नोटिस भेजी है, जिसने रेप किया वो ठीक है, जिसका रेप हुआ वो भी ठीक है, फिर हम कैसे गुनहगार बने, हमारा क्या लेना देना उसमें? हाँ यार ये तो बात हो गई है। हाँ? बाबा जी उसने आपको भी रेप का नोटिस भेजा? मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, सारी बीमारी मुझे ना है, उस नालायक ने मैं रेप किया बोल के नोटिस भेज दिया। रेप कर सकता हूँ क्या बाबा? सुको यू चीट यू ढोंगी, ये सब क्या है? मैं जब तुम्हें घर में बुलाती हूँ तो कहते हो मेरा ये दुख रहा है वो दुख रहा है, हजार बहाने करते हो, और तुम बाहर जाकर ये कारनामा मगर क्या है? आखिर मुझ में से क्या कमी है सुको? आप में कोई कमी नहीं। दादा मैंने कुछ नहीं किया, न घर के अंदर न बाहर। तो तुम्हारे नाम पे नोटिस क्यों आई? कमाल है, इस नोटिस में तुम्हारा भी नाम है, तो क्या तुमने भी रेप किया है? मैंने। अरे भाई लोग सुनो, नोटिस तुम लोगों को आया साथ साथ मेरे को भी आया, खैर मेरी बात समझ में आती है, लेकिन स्वामी जी को भी? देखो कब से बेचारे लिफाफे की तरह कांप रहे हैं। अनर्थ हो गया बच्चा अनर्थ, जब डाकी को देखा तो हमें लगा हमारे किसी विदेशी भक्त ने हमें दान में डॉलर भेजा होगा, पर खोला तो देखा रेप का आरोप। शांतम पापम शांतम पापम शांतम पापम। ये कैसा हुआ मालूम? लोन किसी एक ने उठाया, सुधापुन भर रहे सारा, किसी को नहीं छोड़ा उसने, न पुलिंग को न स्त्रीलिंग को। माय गॉड मुझे भी नहीं छोड़ा, मेरे बारे में तो सब जानते हैं, मैं कैसे रेप कर सकता हूँ? ए गुल्लू तूने बराबर पॉइंट पकड़ लिया, कोर्ट से तू छूटेगा। सच्ची रियली तू नहीं छूटेगा? अरे भाई मर्द तो मर्द होता है, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान या फिर गुल्लू जैसा, आदमी को अगर मौका मिले तो घंटी बजाने से बाज नहीं आता। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, कभी आपने ये सुना है कि एक औरत ने दूसरी औरत का रेप किया है? अगर नहीं किया तो आप उसके बारे में कुछ कीजिए ना चेयरमैन साहब। करेगा ना मैडम, हम करेगा, हम सब लोग मिलके वो गोविंद का बच्चा के घर पे जाएगा, उसको चैलेंज करेगा और पूछेगा
कि शाला स्टूपिड जो नोटिस है इसका मतलब क्या है? अभी तो आप लोग बहुत शोर मचा रहे थे, खामोश क्यों हो गए? बोलते क्यों नहीं? बोलेगा, हम बोलेगा, हम डरता है कि? ए गोविंद, तू सबको इतना गौतल नोटिस क्यों भेजा? औरतों और बूढ़ों को भी नहीं बख्शा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे बाबा, हम तो टेलीविजन का ऊपर भी कभी मर्डर और रेप देखते हैं ना, तो बीवी का गोद में डर के मारे छुप जाता है। बोल नहीं, बराबर छे, ये क्या रेप करेगा? ए गोविंद, तुम भी कौम ही गया? हमारा नाम देश पांडे है, रेप पांडे नहीं क्या? हा? बच्चा, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, हमारे तो ध्यान में भी हमेशा देवता आते हैं। शांतम पापम, शांतम पापम। स्वामी जी की तरह मुझको भी आदमी पसंद है। I hate you। रेप का इल्जाम सुनकर मेरे सारे फ्रेंड्स को मुझ पर शक होने लग गया है। I hate you गोविंद, I hate you, I'm sorry। ओ गोविंद भाई, और सौ बात की एक बात, यार कुछ पैसे पूसे लेने हैं तो ले ले, मगर ये समन वापस करवा दे। अरे हम पैसे तो देंगे, क्या हमने रेप किया है? नहीं देंगे पैसे, नहीं देंगे पैसे। आप लोगों को जो कुछ भी कहना है आप कोर्ट में कहिए। क्वाइट प्लीज, क्वाइट, शांत रहिए। मेरी जिंदगी में ये अपनी तरह का पहला केस है जिसमें मुलजिमों की तादाद इतनी ज्यादा है कि पूरा कोर्ट कटघरा बन गया है, और जितने मुलजिम कोर्ट में हाजिर हैं उससे कहीं ज्यादा कोर्ट के बाहर है, और इन सब पर एक ही आदमी ने इल्जाम लगाया है। Am I right, Mr. हरीश पाटिल? Yes, Your Honor। और इन सब के ऊपर आरोप है कि इन्होंने मेरे मुवक्किल गोविंद नारंग पर जानलेवा हमला किया Your Honor, और उनकी बहन रत्ना का बलात्कार किया है। एक एक करके बोलिए। जज साहब, हम लोग एकदम शरीफ इज्जतदार और पढ़ा लिखा लोग हैं मिलर्ड, और हम क्या आपको रेप वाला दिखता है? और हमारा भी बहन है, माँ है, हम ये गलत काम क्यों करेगा? माय लॉर्ड, हम हमेशा लड़का लोगों को प्यार किया, हम लड़की लोगों को हेट करता है, उनका रेप क्यों करेगा? कैन यू टेल मी? बट सर, सर हम बहुत शरीफ आदमी सर, अभी हमारा बीवी हमारा एक स्टूडेंट के साथ भाग गया सर, हम उसका पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं किया सर, देखो हम कितना शरीफ आदमी सर। इसका मतलब आप लोगों ने रेप नहीं किया? एकदम बरोबर। और कुछ देखा भी नहीं? अरे देखा कैसा नहीं, कॉलोनी में तो रेप हुआ, सब लोग बालकनी में खड़ा था, सब ने देखा, मैंने देखा, ये मिर्जा साहब ने देखा। अब तुम ऐसा नहीं बोलना कि देखना भी गुनाह है। इसका मतलब ये गुनाह आपने नहीं किया, लेकिन जिन्होंने किया उन्हें गुनाह करते वक्त आपने देखा था, क्या आप उन्हें जानते हैं? जनाब, हम इस इलाके के नेता या एमएलए का नाम भले ही न जाने, मगर इस इलाके के सारे गुंडों का नाम हम जानते हैं। जज साहब, वो गुंडे तो कमीने हैं, लेकिन ये भाई बहन उनसे भी बड़े कमीने हैं। जरा देखिए सर उसकी बहन की तरफ, अगर हजार लोगों ने उसका रेप किया होता तो क्या वो इस तरह अदालत में बैठी रह पाती? नो, इट्स नॉट पॉसिबल मिलोर्ड। ओ सारन साहब, इसका इल्जाम सरासर गलत है। असल बात ये है कि ये हम पर रेप का चार्ज लगाकर हमसे पैसे ऐंठना चाहते हैं। जज साहब, न जाने इससे पहले कितनी बार कितने शहरों में अपनी बहन का इस्तेमाल करके लोगों से पैसे निकाले होंगे इसने। दलाल है ये, अपनी बहन का दलाल है ये। खबरदार, अगर किसी ने मेरी बहन के बारे में एक भी लफ्ज कहा तो देख लेना। पैसों के लिए अपने माँ बहनों को बेचने का शौक आप लोगों को होगा, गांव का इस गोविंद नारंग को नहीं। भैया, भैया मैं एक गांव का आदमी हूं, जहां एक घर के चूल्हे से सारे गांव का चूल्हा जलता है, और जब एक घर जलता है ना तो सारा गांव चलता है। ये पवित्र जमीन मेरे लिए मां समान है,
मैं इसकी कसम खाकर कहता हूं कि मेरी मासूम बहन की बर्बादी के जिम्मेदार ये लोग हैं, ये इज्जतदार लोग। इनकी मां बहनों के दुश्मनों को मैंने अपना दुश्मन बनाया, क्यों? सिर्फ इंसानियत के लिए। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ अपने जमीर की आवाज से जो एक लड़की की चीख सुनकर रोक नहीं पाई। लेकिन मेरी बहन की चीख सुनकर इनके जमीर से एक आवाज तक नहीं निकली। मैं पूछता हूं क्यों, क्यों? जानी को मारते ही आप लोग मुझे मसीहा बनाने आए थे, लेकिन जब इस मसीहा की बहन की इज्जत लूटी जा रही थी तब उसे बचाने आप लोग एक इंच भी आगे नहीं आए। और आज अपनी झूठी आन और इज्जत को बचाने के लिए 4 किलोमीटर यहां तक चलकर आए। मैं पूछता हूं क्यों, क्यों? मैं अपनी बहन को गांव से शहर ले आया था यह सोच के कि इसे कुछ बनाऊंगा, लेकिन यहां आकर इसने अपना सब कुछ खो दिया। एक औरत के लिए अपनी इज्जत ही सब कुछ होती है, लेकिन लेकिन इसने तो वो भी खो। भैया मैंने तो सुना था कि बलात्कार क्या होता है, लेकिन अगर देखा भी तो अपनी बहन का, आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा, लेकिन इज्जत लूटते नहीं देखा, आप लोगों ने मेरी बहन का तमाशा देखा। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मदद के लिए भीख मांग रहा था, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, तमाशा देखा, क्यों, क्यों, क्यों कुछ नहीं किया? भीख मांगते रहे कि कोई कुछ करो, कोई कुछ करो, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, तमाशा देखा, क्यों? अरे लोग तो लावारिस लाश पर भी कफन डाल देते हैं, लेकिन आप लोगों ने मेरी बहन पर हमदर्दी का कपड़ा तक नहीं डाला, क्यों, क्यों? धीरज लाल जी, आपकी तो कपड़े की दुकान है, हजारों मीटर कपड़ा आपकी दुकान में, लेकिन मेरी बहन की इज्जत को ढकने के लिए वो भी कम पड़ गया। हा? उस दिन आप लोगों की तादाद हजारों में थी और वो गुंडे भट्टी पर, फिर भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्यों? मैं पूछता हूं क्यों? क्योंकि औरत ना मेरी बहन है, तुम सबकी नहीं। अगर यही बात मैंने उस दिन सोच ली होती और तुम्हारी बहन की इज्जत लुट जाने देता तो मेरी जगह पर आज तुम यहां होते मिस्टर दिलीप रॉय, और मैं और मेरी बहन सुरक्षित होते, है ना? गलत सोचा आप लोगों ने, माफ कीजिए, आप लोगों का सोचने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। कल उसकी बहन थी, आज मेरी बहन है, कल आप में से किसी एक की बहन हो सकती है, तो क्या कभी आंख, कभी कान, कभी दरवाजा बंद कर देने से आप लोग महफूज रहोगे, सेफ रहोगे आप लोग? क्यों प्रोफेसर साहब, आप बच्चों को शिक्षा देते कि बुराई के खिलाफ लड़ो, और जब मेरी बच्ची की इज्जत लूटी जा रही थी तो आपने पीठ घुमा दिया, यही शिक्षा देते हैं आप? बीए, एमए, एमबीए जैसे पढ़े लिखे लोग होकर भी आप लोग जॉनी के अनपढ़ गवार गुंडों के सामने झुकते हैं, उनके तलवे चाटते हैं, उनसे डरते हैं, लेकिन एक भूखा कुत्ता अगर हमारे बर्तन में मुंह भी डालता है तो हम उसे भगा देते हैं, अगर ये गुंडे हमारे मुंह से निवाला तक छीन लेते हैं लेकिन हम कुछ नहीं करते। मच्छर अगर नींद में भी हमारा खून चूसता है तो हम उसे मार देते हैं, अगर ये गुंडे हमारे चाकते हुए हमारा खून बहाते हैं और हम कुछ नहीं करते। भैया, भैया मुझे इन लोगों से शिकायत या गुस्सा नहीं है, और ना ही मैंने आप लोगों को यहां जलील करने के लिए बुलाया है, मुझे आप लोगों की मदद नहीं चाहिए, नहीं नहीं, मैं आज भी इन गुंडों से अपनी बहन का बदला अकेला ले सकता हूं,
या तो मार दूंगा या मर जाऊंगा, लेकिन किसी एक के मरने मारने से यह गुंडागर्दी का पेड़ नहीं गिरेगा। उसे झट से उखाड़ना होगा और उसके लिए आप सबको एक होना होगा। जिस दिन आप एक हो जाओगे, हमारी गिनती करोड़ों में होगी, 100 करोड़। और वो गुंडे मुट्ठी भर, गुंडों की सारी ताकत उनके हथियार और आपके डर में होती है। एक याद रखिए, हथियार उठाने वाला कभी साहसी नहीं होता, क्योंकि उससे अपने से ज्यादा भरोसा उसके हथियार पर होता है, जो कभी भी धोखा दे सकता है। लेकिन आपका साहस, आपकी ताकत आपको कभी धोखा नहीं देगी। तो निकाल दीजिए वो डर, छीन लीजिए वो हथियार और फिर देखिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे उस देश का जॉनी हो या बाहर मुल्क का दुश्मन। यही बात मुझे आप तक पहुंचानी थी, इसलिए मुझे आप लोगों को इस तरह कोर्ट में बुलाना पड़ा। इसलिए मैं अदालत और अब सबसे माफी चाहता हूं, माफ कीजिएगा। गोविंद, गोविंद बेटा सुनो, एक मिनट। गोविंद, मैं एक आम आदमी हूं। समाज की ये रोज रोज बढ़ती हुई अनगिनत बुराइयों ने इस आम आदमी की आवाज को हमेशा के लिए चुप करा दिया, लेकिन आज इस अदालत में तुम्हारी बातों ने मुझे, इस आम आदमी को, एक नई आवाज दी, एक नए आगाज के लिए। गोविंद, मैं कम से कम तुम्हारे साथ हूं। गोविंद बेटा भाई, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। गोविंद सब तुम्हारे साथ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम उनके खिलाफ गवाही देंगे, बुलाइए उन सब गुंडों को, हम सब गवाही देंगे। ये अदालत जॉनी मेंडोंसा, डैनी मेंडोंसा, करीम खान तूफानी, सदानंद कुट्टी, राम शरण शुक्ला एवं उनके सभी साथियों को जल्द से जल्द अदालत में पेश करने का हुक्म देती है। The court is adjourned. मैं कभी जिस गोविंद को जानती थी, आज एक लंबे अरसे के बाद उसे अपने सामने देख रही हूँ। मुझे फख्र है आप, तुम पर। ये तुम लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। लोगों में डर ही इस धंधे की बुनियाद है, और अगर ये डर निकल गया ना, तो सबका राम नाम सत्य है, समझो। कोई कोर्ट नहीं जाएगा। भेड़ा, जी साहब, तू जा। ए, करीम भाई जिंदा है अभी, और उसकी तलवार की धार भी। देखता हूँ कोर्ट कैसे जाते हैं साले। हम जो बोलते हैं वो आँख कान नाक सब कुछ बराबर खोल कर सुनने का। अरे तुम लोगों को चर्बी आई ले, हाँ? अरे देख, कोर्ट में जाकर कोई भी गवाही देगा और सच्चा हिंदुस्तानी सिपाही बनेगा ना, तो सबकी चर्बी किलो के भाव का। चलती शर्ट आवाज आवाज दी है। ओ हरामजादो, खबरदार जो कोई कोर्ट में गया तो जैसे रहते थे वैसे ही रहो, ज्यादा कलेजा दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना छील छील के सबको कसाई की दुकान में उल्टा लटका दूंगा। क्या बात है भाई साहब, क्या हुआ, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? माफ कीजिएगा, आपको कोई परेशानी है क्या? अबे ओ आम आदमी, तेरे को आम की तरह निचोड़ कर तेरा मैंगो जूस निकलेगा? भाई जान की बात बराबर सुनने का और घर में चुपचाप बैठने का। ए दादा, अभी तुम्हारा आवाज सुनने का टाइम क्या? अभी तुम लोग हमारा आवाज सुनो। आप ना अपना घर में जाके बैठो, नहीं तो याद है ना कि जॉनी को कैसे मार मार के नोंगा और गंजा किया था? तुम शाला शॉप को पकड़ पकड़ के मारेगा, समझा की? ए, साला करीम तूफानी को धमकी देता है, चिल्लाले सरामजादे को सबके सामने, चिल्ला। ए करीम भाई, अब तुम्हारा भाईगिरी का टाइम खत्म हो गया, समझा ना? अभी भाई चारे का टाइम चालू हो गया, क्यों गुल्लू? हाँ देशपांडे, तुम बिल्कुल मर्दानगी वाला बात किया, लेकिन सबसे पहले इन नामर्दों को यहाँ से हटाओ। नामर्द,
I hate Namat. Cut that, Kaliko. आओ 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 और रुको. तेरे मामा लोग खड़े हैं. All your uncles. बहुत बड़ा रेड़ा हो गया साहिबा. वो कॉलोनी वालों को अपुन समझाने के लिए गया था. वो लोग अपुन को समझाए. वो लोग कौन समझा देगा? वो करीम किधर रहे? अरे वो भाईजान बहुत समझदार निकला, पतली गली पकड़ के भाग गया. देख देख ये उस तूफान का आगाज है जो तुम लोगों को तिनके की तरह भागकर तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाएगा. एक अकेली मौज समंदर से कैसे टकराएगी. चट्टानों से टकरा के आंधी वापस आ जाएगी. हम मिलके साथ चलेंगे तो सैलाब नया एक लाएंगे. इस आसमां को झुकाएंगे. चला मेरे सारे के चोंडे गणे आ जा. जाओ रोको ने रोको. जॉनी भाई सब लोग इधर ही आ रहे हैं. हम लोग बचेंगे नहीं, पीछे से भाग चलते हैं. जॉनी नहीं भागेगा, मैं साला सामने से मारेगा. ए, आज जिंदा बचेगा तो कल मारेगा ना. मेरा प्रेस्टीज का सवाल है. प्रेस्टीज हमारा भी है, मारा जाएगा. तुम्हें अपनी प्रेस्टीज बचाने दो, तुम्हें अपनी जान बचानी है तो भाग लो मेरे साथ. चलो 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 चलो. अरे आ जाओ आ जाओ. मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ये तो अन्ना सही बोल रहा है. जॉनी हमारे पास बहुत सारे आदमी हैं, हम फिर से बना लेंगे ये सब कुछ. जॉनी समझते क्यों नहीं मेरी बात. हेलो हैंसन, ड्रॉप योर गन. तू तेरा और Oh!
जज को भड़काकर मामले को और भी उलझा दिया। एक बात बताओ मदन बाबू, तुम्हारी पत्नी ने तुमको छोड़ा क्यों यार? अरे इस वक्त ये बात पूछने की है क्या? जिस तरह तेरी पत्नी ने तेरी टांग तोड़ दी, उसी तरह इसकी पत्नी ने इसको छोड़ दिया है। ये सब अपोजिशन वालों की उड़ाई हुई बातें हैं। अब आप भी इस पे विश्वास करते हैं तो मेरे सीने में सुइयां चुभने लगती हैं। मेरी टांग मेरी पत्नी ने थोड़ी तोड़ी थी, मेरी टांग तो आजादी की जंग लड़ते हुए टूटी थी। अरे जा जा, मुझसे बंडल मत फेंक, मैं तेरे को अच्छी तरह जानता हूँ। आजादी की लड़ाई के वक्त तू दारू की दुकान के सामने सीख कबाब बनाया करता था, मैं भूला नहीं। मैं भूल गया हूँ क्या? तुम भी चड्डी बनियान पहन के उसी दारू की दुकान में चना बेचा करते थे। खामोश, मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूँ और तुम हिस्ट्री दोहरा रहे हो। अरे घबरा मत, मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी से मिलाऊंगा जो तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर कर देगा। कौन है वो? आपसे भी ज्यादा लुच्चा। नाम क्या? किंग कॉन्ग। नमस्ते जी। ये आंखें फाड़ फाड़ के तुम लोग अपन को क्या देख रहा है? अरे कुछ नहीं, हम तो समझे थे कि किंग कॉन्ग 7 फुट का आदमी होगा, 400 केजी वजन, 80 इंच की छाती, मोटे मोटे दंत और बड़ी बड़ी मूछें, लेकिन आप तो बिल्कुल दुबले पतले निकले। पतली तो तलवार भी होती है, लेकिन जब आयान से बाहर निकलती है तो दूसरे की गर्दन काट के ही वापस अंदर जाती है। ये अड्डा अपन का मयान है और अपन इसकी तलवार है। लेकिन जब अपन बाहर निकलता है तो दूसरा सीधा कब्रिस्तान पहुंच जाता है। सर 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 सर, उस मर्डर केस के लिए हमने जो गवाह भेजा था वो भाग गया। हरामी साले। थोड़ी तो तमीज होनी चाहिए ना। जब दो बड़े आदमी आपस में बात कर रहे थे तो कुत्ते की तरह बीच में आके बकबक करने लगा। ए साले जान। आया भाई जान। इस हराम घोर को किसी अस्पताल में जाकर फेंक दो, और अगर बच गया तो इसके हाथ में 10,000 रुपए थमा देना और कहना कि आइंदा अपन को शहर में कभी नजर नहीं आए, और अगर मर गया तो इसकी फैमिली को 25,000 रुपए देकर सेटलमेंट कर लेना। चल फुट। बताइए आप लोगों का क्या केस है? जी वो एक गिलास पानी मिलेगा। छी 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 छी, सुबह सुबह और पानी, दारू पियो, दारू दारू। हाँ दारू पीलो सर पीलो। झूठा है। अरे पीलो नहीं तो ये आदमी समझेगा हम लोगों को तमीज नहीं है और गिलास तोड़ के हम लोगों के पेट में घुसर देगा। पियो। अब बोलो क्या लफड़ा है तुम्हारा? जी वो मेरे बेटे ने अपनी पत्नी का खून कर दिया है। तुम्हें? हाँ जी। उसका कहीं टांका भिड़ा हुआ था क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो सीता थी। सीता? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इस देश में आजकल हजारों में एक सीता पैदा होती है और तुमने ऐसी पतिव्रता औरत को जान से मार डाला। छू मैं यहां से कुत्ता निकलो। फट। सर सर। किंग साहब, इसने उसे जानबूझकर नहीं मारा, पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो गया था, उसने जरा सा धक्का लगाया कि वो टेबल से टकराकर मर गई। हाँ सर, और इसी बात को लेकर अपोजिशन पार्टी के लोग अखबार वालों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ उस्ताद, वो राजनीति में हम लोगों को लंगड़ा बनाने के चक्कर में। ऐसे नाजुक मौके पर आप ही हमें भगवान का अवतार नजर आए हुजूर, तो सीधा उसको हमने जमानत पर छुड़ाया और आपके कदमों में हाजिर हो गए। ये तो सुनते ही नहीं। ए ढक्कन। आई आई आई। अपुन तुम्हारा केस टेकअप करता है। जी जी सर, हमें बड़ी खुशी हुई। अब आप बाहर चलकर उस जज से मिलकर हमारा मामला सुलझा दीजिए। बाहर? अपुन अगर बाहर निकलेगा तो कयामत हो जाएगी। या तो अपुन का मर्डर हो जाएगा, नहीं तो सामने वाले का मर्डर हो जाएगा। मर्डर्स, ऑल मर्डर्स, खूनम खून लालम ला। लेकिन सर हमारे केस का क्या होगा? अरे ये कहते अपुन को पछोड़ो तुम। इस साले जान। आया भाई जान। तेरा वो रावण की औलाद को लेकर आओ। आज से ये तीनों तुम्हारे गोद लिए हुए बेटे हैं। इनका खाना पीना सोना होना सब तुम्हारे ऊपर। मगर ये पनिशमेंट कैसी? पनिशमेंट नहीं,
सेटलमेंट। वो जज खुद तुम्हारे बेटे को लेकर तुम्हारे घर पर आएगी और बोलेगी, एमपी साहब ये लो तुम्हारा बेटा, केस खलास, फिनिश। और अब तुम लोग बेफिक्र होकर यहां से फूट लो। हे, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? अरे देखो, मैं जज सुमित्रा देवी का भाई हूँ, मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ ना, क्या नाम है तुम्हारा? अरे ये बेचारी क्या नाम बताएगी, गूंगी है, भगवान ने इसे सब कुछ दिया पर आवाज देना भूल गया। ये यतीम और गरीब है, इसीलिए तुम्हारी दीदी ने इसे काम पर रख लिया। चल बेटी, पिछवाड़े चलकर मसाला पीसेंगे, आ जा चल। गूंगी लड़की, इस बार दिवाली के कपड़ों ने मेरा तो दीवाला निकाल दिया, 10,000 की टांग दे गए। अजी, अपने बीवी बच्चों के लिए तो खर्च किया है, किसी और के लिए नहीं। मुझे उस बात का दुख नहीं है, दुख है तो इस बात का कि जब मैं एमएलए था तो सब कुछ मुफ्त में मिल जाया करता था, कोई चीज खरीदनी नहीं पड़ती थी, अब सब कुछ खरीदना पड़ रहा है। कुर्सी भी टांग दे गई, जा तू पानी लेकर आ, तुझे नहीं थे। बेचारा दुकान वाला मुझे शरीफ समझा, मैंने उसको 1,000 रुपए की टांग दे दी। चोर! चोर! मैं चोर नहीं हूँ। चोर! चोर! कौन है? चोर! अरे मैं आ रहा हूँ, अभी आया, आ रहा हूँ रे। कौन है? ये सुनते हो, रसोई में कोई चोर घुसा है। पिताजी आप ऐसा कीजिए, अंदर जाके फौरन चोर को पकड़ लीजिए। नहीं नहीं बेटी, ऐसे मौके पे जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए। तू एक काम कर, तू चोर को पकड़ कर रख, मैं मेरी पिस्तौल लेकर आता हूँ। अच्छा? तू खड़े खड़े क्या मुंह देख रही है, जा पुलिस को बुला। हाँ। ए चोर, अपने आप को मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हें मारूंगी। हाँ, मैं कह रही हूँ, मैं तुम्हें मारूंगी। आखिरी बार कह रही हूँ, अपने आप को मेरे हवाले कर दो वरना। चोर मिल गया? मिल गया पिताजी। क्या कर रहा है? मुझे लूट रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये घर लूट सकता है मगर तुझे कोई नहीं लूट सकता। मैं आ रहा हूँ। मगर उसको पकड़ के रखा है ना? हाँ पकड़ के रखा है, एकदम कस के, एकदम कस के पकड़ रखा है। पहले सियाना बनता है फिर फोड़ दूंगा। रखूं इधर। या, आपका दामाद। ये कहां से निकाला? लो, मैं लेके जा रहा हूँ। ये लड्डू का नहीं है। पकड़ो, चोर, चोर। अरे तू क्या कर रही है? पकड़ उसको। चोर, चोर, प्लीज पकड़ो। अरे कोई कोई भी नहीं है। पकड़ो, पकड़ो, अरे पकड़ो, चोर को पकड़ो रे। शेखर, कि मैं एक जज हूँ जिसके कलम से निकला हुआ एक लफ्ज मुजरिम को फांसी के तख्ते पर लटका सकता है। देखिए जज साहिबा, अगर आपके हाथ में कलम है तो हमारी मुट्ठी में समाज है, हम चाहे तो चुटकियों में कानून बदल सकते हैं। आपके मुट्ठी में समाज नहीं बल्कि उसकी कुछ कमजोरियां हैं जिसका आप नाजायज फायदा उठाते रहते हैं। आप कानून बदलवा सकते हैं, उसे तोड़ नहीं सकते। आप मुझे धमकी देकर कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। याद रखिए, इस जुर्म में आपको मेरे सामने हाथ जोड़कर अदालत के कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। अदालत के कटहरे में खड़े होने के लायक आदमी तो आपके अपने घर में मौजूद है, आपका भाई मोहन। जी हाँ, वो आपकी इस नौकरानी चंपा से गंदी गंदी हरकतें करता था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और इस गंदे नाटक का मैं पूरे शहर में, अरे शहर क्या बल्कि पूरे देश में डंडोरा पीटूंगा। आप झूठ भी कहलवाना चाहेंगे तो भी नहीं कहलवा सकेंगे, क्योंकि चंपा गूंगी है, बेजुबान है। क्यों रे चंपा, तू गूंगी है, बोल नहीं सकती? आयु बाबा, कौन कहता है, मैं तो बोल सकती हूँ। हे
तो जानती थी कि राजनीति में कुछ लोग बहुत ही नीच चाले चलते हैं, लेकिन इंसानियत से इतनी गिरी हुई चाल कोई चल सकता है, ये मुझे आज ही पता चला। चलिए, हमारे कारण आपको कुछ तो पता चला, लेकिन इसके अलावा और भी बातें हैं जो आपको बतानी है। चंपा, जरा न्यायमूर्ति साहिबा को वो मूर्तियां दिखा दो। अब तो सब कुछ आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरे बेटे को बेकसूर बताकर रिहा न किया तो ये तस्वीरें देश के सब इम्पोर्टेंट अखबार के फ्रंट पेज पर प्रिंट हो जाएंगी। वैसे मैं आपकी मदद ये मुफ्त में नहीं मांग रहा, मुंह मांगी कीमत दूंगा। हेलो, आईजी साहब को कनेक्शन देना। नमस्ते, मैं जज सुमित्रा देवी बोल रही हूँ। कल शाम मेरे भाई मोहन की शादी हो रही है। दुल्हन हमारी नौकरानी चंपा। हाँ हाँ जी हाँ, लव मैरिज जैसा ही कुछ है। आप दोनों को आशीर्वाद देने जरूर आइएगा। कुछ लोग सांप के डसने के डर से उसे प्रणाम करते हैं और कुछ लोग उसका सर फोड़कर उससे छुटकारा पाते हैं। आप लोगों को धोखा देकर राजनीतिक बने, लेकिन मैंने इंसाफ की सेवा करके जज की कुर्सी पाई। चंपा को पैसे देकर इस घर में मैंने जासूसी के लिए भेजा था, आपने कैसे सोच लिया कि वो आपकी बात मानकर इस शादी के लिए राजी हो जाएगी? अच्छा, चंपा शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप जैसी देवी के घर में बहू बन के आओ। अरे हटा, हट जाओ, निकल जाओ यहां से। क्यों एमपी साहब, काय को कड़के भूखे नंगे के माफिक भड़क रहे हो? अरे तो और क्या करेगा, तुम्हारी वो लड़की चंपा गद्दार निकली। जब जज सुमित्रा ने उससे पूछा कि वो उसके भाई से शादी करेगी तो हाँ कहकर अपोजिशन पार्टी से मिल गई, मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। आज एक औरत पर भरोसा करके अब तुमने जिंदगी में फर्स्ट टाइम धोखा खाया है। अरे जहन्नम में जाओ तुम और तुम्हारा धोखा, मेरे बेटे का क्या होगा? क्या वो फांसी पर लटक कर ही रहेगा? भगवान श्री कृष्ण पर पांडवों ने भरोसा करके अभिमन्यु को खो दिया था, लेकिन अब तुम भरोसा करने वाले की जान तो एक तरफ, कोई उसका बाल भी नहीं उखाड़ सकता। अरे लेकिन कोई तुम पर भरोसा करे कैसे? वो जज की बच्ची कल मुकदमे का फैसला सुनाने वाली है। नहीं सुनाएगी। अरे जरूर सुनाएगी। नहीं सुनाएगी मतलब नहीं सुनाएगी, ऐ साले जान। आयो भाई जान। लोग कहते हैं ना तो अपना किसी पे उधार बाकी रखना चाहिए और ना ही अपने दुश्मन को जिंदा छोड़ना चाहिए। कल सुबह जज सुमित्रा देवी को खूनम खून लालम लाल।
नमस्ते जज साहिबा, पहचाना मुझे? याद है एक बार एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए मैंने एक गुंडे को मारा तो आपने मुझे 15 दिन कैद की सजा दी थी, और आज मैंने एक जज को बचाने के लिए कई गुंडों को बड़ी बेरहमी से मारा और उन्हें लहूलुहान कर दिया। कहिए आज मुझे आप कितने दिन कैद की सजा देंगी और मुझे कितने 1000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा? आज शाम को तुम्हारे भाई मोहन का ब्याह है, घर आ जाना। नमस्ते एमपी साहब, शादी हो गई? वैसे आपको शादी का निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी आप तशरीफ लाए, बहुत खुशी हुई। जी वो हमें निमंत्रण भेजने की क्या जरूरत है, इस इलाके के सभी बच्चे हमारे बेटे बेटियों के समान हैं, इन सब के दुख सुख में शरीक होना तो हमारा कर्तव्य है। और मैंने भी सोचा कि बुलाने पे तो सभी आते हैं, असली तो वही आते हैं जो खुद से चले आते हैं। और सुना आपके यहाँ शादी में खाना अच्छा खिलाते हैं। दादा, दादा। ड्राइवर कल्पना गेस्ट हाउस चलो। साहब हम कब बुलाएं? हाँ वॉचमैन जी, यार कोई बढ़िया सी शराब पिलाओ। जी साहब। अरे सलाम साहब। अरे साहब ई का आप काहे तकलीफ किया, हम का बताते ई खरीदी हम बाजार से करके ला देते जी। नहीं कोई बात नहीं, यूं ही चला गया था, सोचा इसी बहाने थोड़ी सैर हो। पत्रा क्यों गए, तस्वीर खिंचवा रहे हो क्या? लगता है हमें यहाँ देखकर तुम्हें कुछ याद आ गया है। तुम समझे ये लड़की अपना जिस्म दिखाकर पेट भरती है, तो अपना जिस्म बेचकर रुपए भी कमाती होगी, और यही सोचकर तुमने मुझे धोखा दिया ना। धोखा? सपना ये तुम क्या कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुमने खुद कहा था कि तुम मेरे हमदर्द हो, मेरे जन्मदिन पर तुमने तोहफे की शक्ल में मुझे फूल दिए, मेरे दिल में इतनी उम्मीदें जगाई, और आज तुमने किसी और लड़की से शादी कर ली। लेकिन लेकिन सपना मैंने तुम्हें कभी भी इस नजर से नहीं देखा। मैं जानती थी तुम्हारे मुंह से एक दिन ये अल्फाज जरूर निकलेंगे। मिस्टर मोहन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे इस धोखे का ऐसा जवाब दूंगी कि तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। सपना सुनो तो मेरी। अरे चलो सपना, हमें इससे क्या लेना देना, अब चलो। शाबाश बेटी, क्या नाटक खेला तुमने, मोहन के छक्के छुड़ा दिए। मैं कहता हूँ उसके कदम डगमगा गए। लेकिन डैडी हम लोग कहीं कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे ना? कभी भूल कर भी इस तरह मत सोचना। आज से 15 साल पहले अगर वो शैतान औरत भी इस तरह सोचती तो हमारी जिंदगी तपते हुए रेगिस्तान की तरह ना होती। खैर तू जाकर आराम से कमरे में सो जा, मैं उनका जीना आराम कर दूंगा। जब बाहर आने अपुन बाहर आ गया है, और मतलब तेरे को अच्छी तरह से मालूम। मर्डर खूनम खून लालम लाल। नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मेरी जान मत लो। अपुन तेरे को मारने के वास्ते इधर थोड़ा आया है, अपुन तुझे ये समझाने के वास्ते इधर आया है कि तू अपने मर्द को तलाश कर डाल। नहीं नहीं, तकिए के नीचे बेहोशी की दवा रख देना है, सेब पर चाकू लगा देना है, तू अपने मर्द को वो दवा सुंगा कर उसके सीने में वो चाकू। नहीं तो अपुन तेरा मर्डर कर देगा। Thank you.
चाकू काफी तेज है ना? इससे सेब भी काट सकते हैं और आदमी का गला भी, है ना? ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। लगता है हम किसी गलत जगह पर आ गए हैं। अगर कहीं कोई अनहोनी बात हो जाए तो? ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे डर लग रहा है। ये चाकू मुझे दीजिए। इसे मेरे ही पास रहने दो। आदमी के बारे में कह रही थी? जी हाँ, मैं और मोहन एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करने की सोच रहे थे, लेकिन इनकी बहन ने इनकी शादी जबरदस्ती अपनी नौकरानी चंपा से कर दी। ये अपने हनीमून पर जा रहे थे और इन्होंने मुझसे कहा कि मैं इनसे मिलने गेस्ट हाउस पर आ जाऊं। मैंने अपनी आंखों से देखा इंस्पेक्टर साहब कि ये चंपा से विनती कर रहे थे कि वो इन्हें तलाक दे दे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इन्होंने गुस्से में आकर उसे चाकू घोंप दिया और वो मर गई। नहीं, ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। मैंने उसका खून नहीं किया। सपना, सपना मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? मुझे फंसा कर तुम्हें क्या मिलेगा? इंस्पेक्टर साहब, इसकी बात का यकीन मत कीजिए। प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर, इसे मत लिखिए, झूठ बोला है इसने। मैंने जो कहा नमस्ते जज साहिबा, कैसा लगा ये नया मुकदमा? मेरे बेटे का मुकदमा आपकी अदालत में है क्योंकि उसने अपनी पत्नी का खून किया है, और आपका भाई पुलिस की हिरासत में है क्योंकि उसने भी अपनी पत्नी का खून किया है। इंसाफ के तराजू में दोनों के जुर्म बराबर वजन के हैं, इसलिए अगर मेरे बेटे को फांसी हो गई तो यकीनन आपके भाई को भी फांसी हो जाएगी, और अगर आपने मेरे बेटे को रिहा कर दिया तो आपके भाई की रिहाई की तरकीब मैं आपको बता दूंगा। दैट्स माय पॉलिटिक्स। शेखर, मेरे भाई को खून के इल्जाम में फंसाकर तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी, क्योंकि तुम्हारे चक्रव्यूह के जाल में मेरा भाई अभिमन्यु की तरह फंस गया है, लेकिन उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए रवि अभी तक जिंदा है। तुम्हारे सारे प्लान मैं बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें जेल भिजवा कर अगर चक्की ना पिसवा दी तो मैं भी अपनी बहन सुमित्रा देवी का भाई नहीं हूं, और यह तुम याद रखना। और हां, अगर तुम्हारे पास पॉलिटिक्स है तो मेरे पास भी पॉलिट्रिक्स है। अचानक बिजली चली गई और मैंने मोमबत्ती जलाकर रोशनी करने की कोशिश की, उसी दौरान किसी ने तकिए के नीचे से चाकू निकाल लिया और चंपा का खून कर दिया। कत्ल से पहले तुमने उस चाकू को अपने हाथ में पकड़ा होगा, इसीलिए तुम्हारी उंगलियों के निशान उस पर मौजूद हैं। लेकिन मैंने चंपा का खून नहीं किया। ये खून किसने करवाया, क्यों करवाया, ये हमारी बड़ी दीदी बहुत अच्छी तरह से जानती है, लेकिन कानून पर भरोसा करने वाली हमारी बहन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो कानून को तोड़ने वाला राजनेता है। मैं अपनी वफादारी, अपनी ईमानदारी और अपनी कानून नवाजी के बल पर मोहन को छुड़ा कर रहूंगी। आपके कानून और उसके उसूल तो आम इंसानों के लिए बने, सीधे साधे लोगों को सजा दे सकते हैं, लुटेरे और बदमाशों को नहीं। उनके लिए तो सिर्फ एक ही उसूल है, कांटे को निकालना हो तो कांटा इस्तेमाल करो, और उसी उसूल के बल पर मैं उस पापी की गर्दन पकड़ कर तुम्हें दिखाऊंगा। लावी, जज्बात और गुस्से में आकर कहीं जुर्म मत कर बैठ। अगर जरूरत पड़ी तो जुर्म भी करूंगा, कानून को हाथ में लूंगा, लेकिन कानून के हाथ नहीं आऊंगा, और किसी भी तरह अपने भाई को रिहाई दिलाकर। अगर ये रास्ता अपनाओगे तो अपने भाई को आजाद कराना दूर की बात, खुद कैद हो जाओगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ओ मोरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ओ मोरे सपनों की रानी कब है?
आप यहाँ के वॉचमैन हैं? हाँ हम वही हैं। जिस दिन यहाँ खून हुआ आप यहाँ थे? अरे मोरी मैया, अरे का मुसीबत है, हमरी तो जिंदगी हराम हो गई। अब तक 500 पुलिस वाले आई के यही सवाल दोहराए दोहराए के हमरा भेजा चाट गए हैं। आप कौन है? नारी पुलिस वाली है का? नहीं, जज। अरे बाप रे, माफ करना मेम साहब, नमस्ते। देखिए, मैं यहाँ जज की हैसियत से नहीं, एक आम औरत की हैसियत से आई हूँ। मुझे सच सच बताइए, उस कत्ल की रात यहाँ कौन कौन था? कौन कौन था? जिसका खून हुआ वो लड़की, वो का पति और एक नचनिया यहाँ थी। है। उनके अलावा यहाँ और कोई नहीं था? नहीं मैम साहब, और कौनो नहीं था। देखिए, अच्छी तरह से याद कीजिए, आपकी गवाही एक बेकसूर इंसान की जान बचा सकती है। हम सच बोले थे मैम साहब, और कौनो नहीं था, आपके सर की कसम। तुम यहाँ के वॉचमैन हो? हाँ हम वही हैं। उस कत्ल वाली रात? अरे मोरी मैया, अरे बाप रे बाप, अब तो हम मर जाएंगे, हमारा सर फट जाएगा। आप कौन है साहब? सीआईडी वाले हैं का? नहीं। अरे भैया, तो फिर काहे को पूछताछ करने चले आए हैं? ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। का जानना जरूरी है? कि उस रात को यहाँ कौन कौन आया था। अरे भैया, कौन आवत है कौन जावत है, इससे तुमको का लेना देना है? मामला बहुत गर्म है। ए भैया, जरा बाजू में आ जाओ, काहे के दीवारों के भी कान होते हैं। आवा आवा। देखा दीदी, हम दोनों अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन मुझे पहले कदम पर ही कामयाबी मिल गई। मैंने बेईमानी और गैर कानूनी तरीके से वो पा लिया जो तुम ईमानदारी और कानूनी तरीके से ना पा सके। बाय। सपना, सपना, पथरा क्यों गई? तस्वीर खिंचवा रही हो क्या? लगता है सच्चाई ने तुम्हारे गले को पकड़ लिया और आवाज को बंद कर दिया, ये जानकर कि सपना और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी बेटी है। मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ सपना से मिलने आई हूँ, जिसकी जिंदगी तुम अपनी नालायकी और खुदगर्जी की वजह से बर्बाद कर रहे हो। शट अप, ये मत समझना कि मैं तुम्हारी अदालत के कठघरे में खड़ा एक मुजरिम हूँ। अरे मैं तो एक एक्स जज का एक्स हस्बैंड हूँ, समझे? सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए तुमने सपना को माँ की ममता से महरूम रखा, मेरे खिलाफ उसके दिल में जहर भर भर के उसे बड़ा किया, और आज उस मासूम को ये भी नहीं मालूम कि वो किसके खिलाफ गवाही देने जा रही है। अरे वो जानती है, मेरे सामने जो खड़ी पत्थर दिल औरत उसकी माँ है, और वो जो जेल गया था तेरा भाई है। सपना सब कुछ अच्छी तरह जानती है। तुम्हारे गुरूर, तुम्हारे घमंड को पैरों तले रौंद कर पाश पाश करने के लिए हम बाप बेटी ने ये नाटक खेला था, और जिसका नतीजा है तुम्हारा पत्थर दिल पिघलने लगा, तुम्हारी आंखें भर आई और तुम समझौते पर उतर आई। मैं यहाँ तुमसे हाथ जोड़कर कोई भीख मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि सपना के दिल में तुमने जो जहर भरा है उसे निकाल कर उससे सच कहवाने आई हूँ। मेरे जीते जी ये कभी नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ अपनी बेटी का दिल कैसे बदलना है। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, वो कभी नहीं बदल सकती। मुजरिमों को बदलना मेरा पेशा है, मुजरिमों को पैदा करना मेरा पेशा है। आज एक बार फिर तुम अपनी जिंदगी में हार देखोगी, तुम ये बाजी कभी नहीं जीत सकती, कभी नहीं। गेट आउट, आई सेड गेट आउट।
महादेवी, लंगड़े बाप की चालाक बेटी, अब क्या रवि ने फिर पप्पी ली है, ये शिकायत करने आई हो? देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन मेरे पिताजी ने कहा था या माताजी ने, ये मुझे कुछ नहीं मालूम। एक बात याद रखना कि फिर किसी जाल में मेरे भाई को फंसाने की चाल चलेगी ना, तो टांग तोड़कर तेरे बाप की तरह तुझे भी लंगड़ा कर दूं। बहाती रही, क्या यही इसका जुर्म था? बेटी सपना, मैं एमपी राजशेखर बोल रहा हूँ, जरा रवि को टेलीफोन देना। तो आ गए मिस्टर रवि, अगर तुम बहादुरी में हीरो हो तो मैं राजनीति में हीरो हूँ। ये मत समझो कि तुम सपना को कलम से अगवा करके मुझसे जीत गए। मैं वोटर नहीं जिसे लीडर बेवकूफ बनाता है, मैं वो लीडर हूँ जो वोटर को बेवकूफ बनाता है। एक बात और सुन लो, अगर तुम ये समझते हो कि सपना तुम्हारे साथ मिलकर अदालत में हमारे खिलाफ गवाही देगी तो तुम्हारा ये सिर्फ एक सपना है। सपना को अदालत तक पहुंचने से पहले मैं अगवा करवा लूंगा। टाटा, चिरियो, बाय बाय। नमस्ते, तुम्हारे प्लान की टांग टूट गई। छोड़ो मुझे। चल। अरे गधो, इसको उठाकर यहाँ क्यों ले आए? वो रवि का बच्चा, इसको तलाश करते हुए सबसे पहले यही पहुंचेगा। ले जाओ इसे किंग कॉन्ग की जंगल में। भागो, भागो। पांच गुंडे मिलकर एक लड़की को उठाकर ले आए, शर्म नहीं आती? हिजड़े कहीं के। अरे हिजड़ों को कभी कमजोर नहीं समझना, कुरुक्षेत्र की लड़ाई में शिखंडी भी हिजड़ा था और जब उसे भीष्म पितामह जी के सामने लाया गया तो उनकी मृत्यु हो गई। इसी तरह अगर तुमने इनका सामना किया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। एक लड़की का खून करके पाप के कीचड़ में गले तक धुसे हुए हो, अब दूसरे खून की बात करने की सोच रहे हो? देखो बेटे, तुम अपने आप को क्या धमाके से फटने वाला पटाखा समझते हो? अरे अगर हम लोग चाहें ना तो तुमको गीला पटाखा बना के छोड़ देंगे। धमाका तो एक तरफ, सुसरी भी नहीं निकलेगी तुम्हारे अंदर से। हाँ, एक तो हरे हुए हो, ऊपर से लंगड़ाते हो, फिर भी भोगते हो। आराम से कोने में बैठो लंगड़े ससुर जी। हैं? देखा, ये भी मुझे लंगड़ा कर रहा है। साथ में ससुर भी तो कहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों ससुर और दामाद बनकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो? अयो रामा रामा रामा, आप भी क्या अपोजिशन वालों की तरह मुझ पर शक करने लगे क्या? अरे मैं जिंदगी की जंग में अपनी दूसरी टांग तोड़वा सकता हूँ, मगर आपके भरोसे की टांग कभी नहीं तोड़ सकता। अरे ओ जबरदस्ती के बेटो, नीचे आओ और हमारे इस नकली दामाद की मालिश बनाओ। अबे ओ ठहरो, सपना तुम्हारे हाथ में कितनी चूड़ियां हैं? छह। पांच चूड़ियां तो इन पांच चमचों को पहना दूंगा, ये छठी चूड़ी किस निकम्मे के हाथ में फिट हो जाएगी? हमारे एमपी साहब को बराबर फिट आएगी। चल। अरे ये मुझे चूड़ियां पहनाने की बात कर रहा है और तुम लोग ऊपर खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हो? आज ये मेरे घर से बाहर ना जाने भाई। अच्छा तो आप मुझे घर से निकलने नहीं देंगे, ठीक है? और अब मैं ये चैलेंज करता हूं कि मैं आपके इन चमचों की ऐसी धुलाई करूंगा कि ये लोग सीढ़ियों से नीचे उतर नहीं सकेंगे, और अगर इनमें से एक भी नीचे उतर गया तो मैं सपना को यहीं छोड़ के जाऊंगा। एंड दैट्स अ चैलेंज। Thank you.
थोड़ी देर और इंतजार करो, ये चूड़ी हथकड़ी बनकर तुम्हारे हाथों से लिपट जाएगी। तुम हमारा घर लूट के अपना त्योहार मनाने की कोशिश मत करो। तुम हमारे एमपी साहब को नहीं जानते हो, अगर ये सूखा कपड़ा निचोड़ ले तो उसमें से भी पानी निकल आता है। हाँ। ये मुझे निचोड़ेगा। हाँ। ये मुझे निचोड़ेगा। अरे बचाओ रे, मर गया। अरे प्यारे एमपी भाई, मैं इलेक्शन में हार गया मगर फिर भी आपके साथ कौवे की तरह काहे काहे करता फिर रहा हूँ। मुझे कौवे से चमगादड़ मत बनाइए, मुझे बचाइए, मुझे नीचे उतारिए। सुनिए सुनिए, ये केस तुम जरूर जीतोगे, समझ गए? आज जज साहिबा डिफेंस लॉयर बनकर अपने भाई की वकालत करने जा रही हैं। इसीलिए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। प्रोसीड। तुम्हारा नाम सपना है? जी। तुम उस मुल्ज़िम मोहन को जानती हो? जी। तो क्या तुमने मोहन को अपनी बीवी चंपा का कत्ल करते हुए अपनी आंखों से देखा था? नहीं। योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए। तो फिर तुमने पुलिस की रिपोर्ट में ऐसा क्यों कहा कि वो कत्ल तुमने अपनी आंखों से देखा था? क्योंकि मेरे पिता ने मुझे झूठ बोलने पर मजबूर किया था। मेरे पिता ने जिंदगी भर झूठ बोला है और झूठ बोल बोल कर मेरे दिल में जहर भरा है। वो एक नंबर का झूठा है। ये झूठ है, सरासर झूठ है। आप कौन है? मैं इस गवाह का बाप हूँ। योर ऑनर, मैं इस गवाह के पिता से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू। आपका नाम? मदन। आप काम क्या करते हैं? सरकारी नौकरी करता था। हाँ, इसका मतलब है आप अभी कुछ काम नहीं करते? नहीं, मेरी नौकरी छूट गई। क्यों? क्योंकि मैंने रिश्वत ली थी और सरकार ने मुझे नौकरी से निकाल दिया था। ये पॉइंट भी नोट किया जाए योर ऑनर। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी बेटी के कहने के अनुसार तुम एक बदमाश और झूठे आदमी हो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इनके रिश्वत लेने का इनकी बदमाशी का इस मुकदमे से क्या ताल्लुक है? योर ऑनर, इस मुकदमे की खास गवाह मिस सपना का ये कहना है कि उसने अपने पिता के कहने पर झूठी गवाही दी और उसने ये भी कहा कि उसका पिता एक बदमाश आदमी है। सरकारी मुलाजिम होते हुए भी रिश्वत लेने के जुर्म में मिस्टर मदन का नौकरी से निकाले जाना सपना की इस गवाही को और भी मजबूत बनाता है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू। हाँ तो मिस्टर मदन लाल शर्मा, मेरा मतलब है मिस्टर मदन, आपकी बेटी के कहने के अनुसार आप बदमाश है, क्या ये बात सच है? नहीं। आपकी पत्नी क्या काम करती है? मेरी कोई पत्नी नहीं है, मैंने उसे तलाक दे दिया। ये पॉइंट भी नोट किया जाए योर ऑनर, ये गवाह सिर्फ रिश्वतखोरी नहीं, इसने अपनी पत्नी को तलाक भी दे दिया है। वकील साहिबा, पत्नी को तलाक देने वाले सभी आदमी बदमाश नहीं होते। अच्छा, शादी का मतलब क्या होता है? मैं नहीं जानता। बीवी का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि शादी का या बीवी का इस मुकदमे से क्या ताल्लुक है। ताल्लुक है योर ऑनर, मैं इन सवाल से इनके अंदर छिपे इंसान और इनकी जहनियत की तस्वीर अदालत को दिखाना चाहती हूँ। मेरे मुवक्किल पर यह इल्जाम है कि इसने शादी की पहली रात अपनी पत्नी का खून किया, मगर इन्होंने अपनी पत्नी को तलाक देकर यह साबित किया है
ये खुद नहीं जानते ब्याह किसे कहते हैं, पति पत्नी का रिश्ता कितना पवित्र होता है। योर ऑनर, मुझे यही बताना था कि अदालत की नजर में ऐसे आदमी की बातों की अहमियत क्या हो सकती है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। चंपा का कत्ल मोहन ने किया, इसे झूठी गवाही देने के लिए तुमने अपनी बेटी सपना से कहा था। नहीं, मैंने नहीं कहा था। सपना तुम्हारी बेटी है? हाँ, वो मेरी बेटी है। तो फिर उसे अपने बाप के खिलाफ झूठ बोलने की क्या जरूरत? खामोश रहने से काम नहीं चलेगा, आप यहाँ गवाही देने आए। आपकी बेटी ने ऐसा क्यों कहा बताइए? मुझे नहीं मालूम। कत्ल की रात आप कल्पना गेस्ट हाउस गए थे, राइट? पथरा क्यों गए? तस्वीर खिंचवा रहे हो? जवाब दो। नहीं, मैं वहाँ नहीं था। तुम वहाँ गए थे अपनी बेटी के साथ, एक दूसरे कमरे में तुम मौजूद थे। नहीं, हम नहीं थे। आप वहाँ थे मिस्टर मदनलाल। ये झूठ है। तुम झूठ बोल रहे हो। इसका क्या सबूत है? सबूत वहाँ देखिए। योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करती हूँ कि कल्पना गेस्ट हाउस के वॉचमैन मिस्टर नारायण को विटनेस बॉक्स में आने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। मिस्टर नारायण जी, जिस रात चंपा का खून हुआ उस रात गेस्ट हाउस में कौन कौन था? ई साहब, ई का पत्नी एक कमरा माजी और ऊ दाढ़ी वाला और ऊ का बिटिया बाजू का कमरा माजी। तो क्या मोहन ने चंपा का कत्ल किया? अरे मोरी मैया, ई साहब ऐसा नहीं है जी। ऊ साहब उस रात ई का कमरा का बाहर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ चक्कर काट रहे थे जी। थोड़ी देर में एक खतरनाक किस्म का आदमी आया जी और ई का कान में कुछ खुसर फुसर करके चला गया जी। ये साफ जाहिर है योर ऑनर कि ये कत्ल सोच समझ कर जानबूझकर मोहन को फंसाने के लिए किया गया है। दरअसल असली कातिल है ये मदन लाल। नहीं सरकार, मैं कातिल नहीं हूँ, मैंने ये कत्ल नहीं किया। तुमने किया, तुम खूनी हो, तुम चोर हो। देवरात के लालच में तुमने चंपा का खून किया। नहीं, मैं खूनी नहीं हूँ। मैं खूनी नहीं हूँ योर ऑनर, मेरा विश्वास कीजिए, मैं खूनी नहीं हूँ। मैं सच बताता हूँ, मुझे एमपी राजशेखर ने अपनी बेटी से झूठी गवाही दिलवाने के लिए रुपए दिए थे। योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करती हूँ कि एमपी राजशेखर के नाम समन जारी करके उन्हें अदालत में बुलाया जाए और तब तक के लिए इस मुकदमे की कार्रवाई को मुलतवी किया जाए। कल अदालत में हाजिर होने के लिए एमपी राजशेखर के नाम समन जारी किया जाए। मुकदमे से संबंध है? साजिश। किसकी साजिश? ऑपोजिशन वालों की? जी नहीं, आप लोगों की। आप लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है। मिस्टर राजशेखर, आप इस वक्त अदालत में खड़े होकर बातें कर रहे हैं, अपने घर में नहीं। याद रखिए। जरूर याद रखूंगा योर ऑनर, मेरा इस मुकदमे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस वकील सुमित्रा देवी का उस मदनलाल शर्मा से संबंध जरूर है। वो इनका एक्स हस्बैंड है, पुराना पति, जो कि इन्हें तलाक दे चुका है। और ये मुलजिम मोहन इनका अपना भाई है और वो डांसर सपना इनकी अपनी बेटी है, जन्म दी हुई बेटी है। ये सारे के सारे रिश्तेदार कल तक तो एक दूसरे के खिलाफ थे और आज जाने कैसे सबके सब आपस में मिल गए और मेरे खिलाफ होकर मेरी इज्जत और मेरे नाम को बदनाम करने के लिए ये झूठा ड्रामा रचा रहे हैं। जब मेरे बेटे रघु पर अपनी बीवी के खून के इल्जाम का मुकदमा इसी अदालत में चल रहा था, उस वक्त यही वकील साहिबा जज की कुर्सी पर बैठी थी। अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए मैं इनके सामने गिड़गिड़ाया, आंसू बहाए, तो जानते हो इन्होंने हंसकर क्या कहा कि अगर अपने बेटे को बाहर लाना है तो आंसू मत क्यों आइए, नोटों के बंडल गिनवाइए। मिस्टर राजशेखर, जब मैं सच कह रहा हूँ तो आप सच पर चौंक क्यों रही हैं? इतना चिल्ला क्यों रही हैं? ये अदालत है, घर नहीं है। योर ऑनर, इन्होंने जज के ओहदे से इसलिए इस्तीफा दिया कि ये वकील बनकर अपने खूनी भाई मोहन को बचा सके। उल्टे सीधे बयान देकर गवाहों को बहका कर ये साबित करना चाहती है कि इन दोनों मुकदमों का आपस में गहरा संबंध है और इसके जरिए ये मुझे बदनाम करना चाहती है, मेरी इज्जत पर धब्बा लगाना चाहती है। योर ऑनर, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, वरना मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। कोर्ट इज एडजर्न्ड।
रेशम की धोती और जरी की अचकन पहनकर आपको हमारे यहाँ समझी की हैसियत से आना चाहिए था, मगर अपना हुलिया तो मुलाजा फरमाइए श्री गणेश विट्ठल कोल्हापुरी साहब। अगर सर के बालों में जौ की ताकत को बढ़ने दिया तो वो इंसान का भेजा खा जाए, मगर तुम जैसे आदमी के हाथ में ताकत आ गया तो तुम तो इंसानों को खा जाओगे। लेकिन मैं आपको नहीं खाऊंगा समझी जी, जरा उधर देखिए। अब जरा इस तरफ देखिए। ये तमाशा भी देख लो, एक तरफ दौलत की देवी लक्ष्मी और दूसरी तरफ मौत के देवता यमराज को बिठाया है। जानते हो ये रुपया कौन सा है? तुम्हारी बेटी के नाम पर 5-स्टार होटल बनाने के लिए जो रुपया रखा था वो यही है, और अब इसी रुपए से मैं तुम्हारी बेटी के मुकदमे की समाधि बनाऊंगा। हाँ बनाओ समाधि, हम गरीब लोग की समाधि पर तो तुम अमीर लोग की इमारतें खड़ी है। गणेश ये सारी दौलत मैं तुम्हें दूंगा। याद है उस दिन तुमने यही कहा था कि अपनी एक बेटी की आंखों में खुशी देखने के लिए मैं 3,000 गरीब बेटियों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ठीक है, ले जाओ ये रकम और जाकर बांट दो बस्ती के लोगों में, पहुंच डालो उनके आंसू, बखेर दो खुशियां उनके घरों में। लेकिन उससे पहले तुझे अदालत में सिर्फ इतना बयान देना होगा कि तेरी बेटी को पागल पने के दौरे उठते थे, इससे पहले भी उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, तुम ये बयान भी दोगे कि 5-स्टार होटल जो कि मैं उसके नाम पर बनवाने वाला था वो तुम्हारी वजह से नहीं बना, और उसी गम में उसने अपने आप पर पेट्रोल डालकर खुद को जिंदा जला डाला, और ये भी कहना कि तुमने अदालत में हम पर झूठा मुकदमा दायर किया था। अरे बुढ़े गंवार जाहिल, इतना बोल दे रे, मैं हफ्तों भाषण देता रहा, मेरे को एक वोट नहीं मिला, और तू सिर्फ एक शब्द बोलेगा तो 50 लाख रुपए तेरे पास खुद ब खुद चलते हुए आ जाएंगे रे। एक गरीब आदमी के शब्द की कीमत 50 लाख रुपया? नहीं, एक अमीर आदमी की जिंदगी की कीमत 50 लाख रुपया। अरे काय को चूहे के साथ तुम लोग फोकट में डिस्कशन मारता है? अबे ओ बुड्ढे, अगर तूने रुपया नहीं लिया और जैसे अपुन ने बोला वैसा कोर्ट में बयान नहीं दिया तो अपुन तेरा अखा गांव को जला के शमशान घाट में बदल देगा। कल का सूरज कोई नहीं देखेगा, देखेगा तो सिर्फ तुम देखेगा, गलियों में गटरों में लोगों की लाशों को देखेगा। मर्डर, ऑल मर्डर, खूनम खून लालम लाल। मैं तैयार हूं, इसके वास्ते नहीं कि मेरे को मेरे मरने का डर है, इसके वास्ते कि मेरे को मेरे बस्ती वालों की जिंदगी का फिक्र है। मेरा झूठी गवाह इसे इधर का कोर्ट में तो तुम सब लोग बच जाएगा, पर उधर ऊपर वाले के कोर्ट में क्या करेगा? उधर कोई ताकत कोई पैसा तुम लोग को नहीं बचाएगा। ठीक है, तुम जो बोलते हैं वही मैं बोलूंगा, मैं वही बोलूंगा, वही बोलूंगा। देवी माँ मुझे आशीर्वाद दे, ऐसा आशीर्वाद के अदालत में आज जज अपनी कुर्सी पर बैठकर यह ऐलान कर दे कि मेरा बेटा बेकसूर है। ये क्या हुआ डैडी, चिराग तो बुझ गया? घबराओ मत बेटा, चिराग बुझाना तो हमारे खानदान की पुरानी रीत है। अरे आज चिराग के बुझ जाने का मतलब अच्छा शगुन है। मैंने अपनी फूंक से कई चिराग बुझा बुझा कर ये हवेली बनाई है, दौलत जमा की है, ये तो अच्छा शगुन है। चल वो लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं, चल। एमपी साहब, एमपी साहब, एमपी साहब। लानत है, देवी माँ का आशीर्वाद लेकर मैं बेटे को अदालत ले जा रहा था, इस शुभ घड़ी में लंगड़ाते हुए ये लंगड़ा कहाँ से चला आया? एमपी साहब ये लंगड़ा सारी जिंदगी लंगड़ाता रहा, मगर आपको लंगड़ा होने से बचाता रहा, मगर आज आपके खुद लंगड़ाने का समय आ गया है। क्या मतलब? पार्टी की कमेटी ने एक ऑफिसर भेजा इंक्वायरी के लिए, और उसने मुझे भेजा है आपको बुलाने के लिए। अब क्या होगा डैडी? चिराग बुझा तो मुझे लगा सिर्फ इस घर की बत्ती गुल हुई है, अब तो लगता है डैडी आपकी भी बत्ती गुल होने का समय आ गया। सिर्फ इनकी बत्ती गुल होने का समय नहीं आया, इनके खुद गुल होने का समय आ गया। जल्दी चलो, बहुत कड़क ऑफिसर है। चुप रघु बेटा, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं,
मेरी नैया पार लगे उसके लिए प्रार्थना करते रहना। बेस्ट ऑफ लक डैडी। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल्सो माई सन। विजयी होकर वापस आना, फिर देखना बैंड बाजे के साथ जश्न मनाएंगे। चलो लंगड़े चलो, कहाँ चलना है? जहाँ आपको लंगड़ा होना है। चलो। जी बिल्कुल नहीं, ये अपोजिशन पार्टी वालों की साजिश है, बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि इसमें विदेशियों का भी हाथ। वो लोग आत्महत्या के केस को खून के केस में बदल कर मुझे बदनाम करना चाह रहे हैं, मेरी इज्जत को खाक में मिलाना चाह रहे हैं। आप लोगों को उनकी झूठी बातों पर विश्वास करके ऐसा सख्त फैसला नहीं करना चाहिए। मिस्टर राजशेखर, ये मेरा नहीं पूरी पार्टी का फैसला है, और आप तो जानते ही हैं कि जनता की भलाई और सेवा करना हमारी पार्टी का ध्येय है, और कमेटी ये नहीं चाहती कि आप जैसे दागदार लोगों को पार्टी में रखा जाए। एक तो वैसे बेचारों की इज्जत लंगड़ी हो गई है, ऊपर से आप इनको पार्टी से निकाल रहे हैं, ये तो आपका जुल्म है, बेइंसाफी है। तालियां। देखिए, आपको जो कुछ कहना है कमेटी से जाकर कहिए, मैं तो यहाँ सिर्फ इनकी बर्तरफी के कागजात इन्हें देने आया था। नमस्ते। खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, मेरी इज्जत मेरा नाम सब मट्टी में मिल गया। मुझे मेरा नाम अपने बीवी बच्चों से ज्यादा प्यारा है, नाम गवा कर अब मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ? अरे मैं जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा? काय को अपना थोबड़ा तेल में तले हुए पापड़ की तरह पीला कर ला है। अगर एक पत्नी मर गई तो दूसरी कर ले, अगर एक पार्टी छूट गई तो दूसरी में घुस ले। और वैसे भी तू कौन सा इज्जतदार आदमी है कि तेरी इज्जत की नथ उतर जाएगी? अरे नहीं नहीं किंग कॉन्ग पहलवान, ऐसा नहीं है। पार्टी से निकाला हुआ लीडर बिल्कुल ऐसे होता है जैसे बाजारी औरत। इस वक्त हमारी जिंदगी ऐसे है जैसे कुत्ते का चाटा हुआ झूठा बर्तन। बिल्कुल सही है, देखो घंटी भी बज गई। कौन है? एमपी राजशेखर वहां होगा, उसे बुला। वो आवान साला रवि बात कर रहा है। बहुत अकड़ रहा साला। यस। नमस्ते राजनेता जी, मैं जनता नेता बोल रहा हूँ। तुम्हारी चाल पलट गई, आज तुम्हारा बेटा कोर्ट में हाजिर नहीं हो सका। क्या भाईजान, भाईजान, भाईजान! बोलो साले जान। भाईजान सब गड़बड़ हो गई, हम लोग एमपी साहब के बेटे को कोर्ट लेकर जा रहे थे कि रास्ते में रवि उसे गिद्ध की तरह उठाकर ले गया। कुत्ते हरामखोर, मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने मुझे इस तरह बता दिया, इडियट रास्कल! अरे रे 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 रे, उन लोगों पर बाद में बिगड़ना, पहले तुम अपनी जान बचाकर फौरन वहां से भाग निकलो, क्योंकि तुम अपने बेटे को कोर्ट में हाजिर ना कर सके। इस जुर्म में पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आ रही है। गुरुजी गुरुजी, पुलिस आ रही है। अरे पहले तो दरवाजा बंद कर। तुम लोग पीछे के रास्ते से निकलो। मेरे बेटे का क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। डैडी डैडी मुझे बचा लो। नहीं, उसको कोई तकलीफ मत देना प्लीज। मैंने कोई तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम वहां से ना गए तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाओगे, और तुम्हारा और हमारे बीच जो चैलेंज था वो तुम्हारा और पुलिस के बीच हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। आपस की बाजी आपस में ही रहना चाहिए। जल्दी भागो, मेरे जीजाजी तुम पर बहुत भड़के हुए हैं, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हेलो 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 रवि, हेलो हेलो रवि, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ और अपन कट्टे पे जाकर छुप जाओ। रहा सवाल तुम्हारे बेटे का, वो जिधर भी होगा अपन उसकी तलाश करके तुम तक पहुंचा देगा, और अगर रास्ते में कोई भी आड़े आने की कोशिश करेगा, मर्डर्स ऑल मर्डर्स, खूनम खून लालम लाल, खूनम खून लालम लाल। अरे तुम पर इतबार करके ही तो हमारा ये बेड़ा गर्क हुआ है। अरे तू तो अपन का खसम बन गया है, अपन इसको समझा रहा है कि यहाँ से भागो, और ये अपन से सवाल पे सवाल किया जा रहा है। भाग भाग यहाँ से। चल लंगड़े। फिर लंगड़े? अरे चल भाग, चले आपके लिए मैं भागता हूँ। साले अपन की गुंडा बिरादरी की नाक कट गई रे, डूब मरने वाली बात है। इस कल के छोकरे ने अपन की अखा दुनिया को हिला डाला, साला अकेला अपन के साथ कबड्डी खेलता है। ए पथराने वाले हरामी साले, ये सब लफड़ा तेरी छोकरी की वजह से हुआ है। वो साली कॉलरा बनकर अपन की काली दुनिया में आई और सबको बीमार कर डाला। क्लब में नाचने की जगह वो साली अपन को अदालत में ले जा रही है। अपन उसकी गर्दन पकड़कर उसे जान से मार देगा, नहीं छोड़ेगा उसे, नहीं छोड़ेगा। नहीं किंग कॉन्ग जी, मेरी बेटी को तकलीफ मत पहुंचाना, मैं उससे कहूंगा वो अपना बयान बदल देगी, हमारे हक में गवाही भी देगी। चाहे ये लोग मेरी जान भी ले लें, फिर भी मैं इन लोगों के लिए अदालत में झूठा बयान नहीं दूंगी। झूठा बयान नहीं देगी? जान भी चली जाए तो भी झूठा बयान नहीं देगी, और अगर इज्जत चली गई तो? नहीं नहीं, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ करिए, आराम छोड़ दीजिए। अरे कमीने, Thank you.
छोड़ो छोड़ो। अरे लड़की भागी, चलो पकड़ो उसे। बयान खुद अपनी मर्जी से बिना किसी के दबाव या धमकी के दे रहा हूं। मेरी पत्नी कमला की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। उसका कत्ल मेरी ही वजह से हुआ था। सुमित्रा बेटी, सुमित्रा, सुमित्रा, अरुणी बात हो गई। तुम ऊपर आओ, जल्दी ऊपर आओ। कहर हो गया बेटी का, सब हो गया। हे भगवान, जल्दी आओ बेटी, जल्दी करो। क्या हुआ चाची, क्या हुआ? अदालत में मुकदमे की कार्रवाई सुनने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मोहन को फांसी होने वाली है। ये सब मेरी झूठी गवाही की वजह से ही हुआ है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। इससे पहले कि मोहन को फांसी हो जाए, मैं खुद आत्महत्या कर रही हूं। क्या नहीं है दीदी, यह हत्या है। कानून की जीत हो रही थी, इसलिए उन जलील लोगों ने सपना को जान से मार डाला और इस कत्ल को भी खुदकुशी का केस बनाने की कोशिश कर रहे। सुमित्रा, सुमित्रा, सुमित्रा! सपना को क्या हुआ? मेरी सपना को क्या हुआ? मैंने अपनी बेटी को मार डाला। मैं तेरा कातिल हूँ बेटी। मैंने बेटी को मार डाला। तकदीर ने मेरे साथ कैसा इंसाफ किया? जब मैं जिंदगी भर एक बुरा आदमी था तो मेरी बेटी मेरे साथ थी, लेकिन जब एक अच्छा इंसान बनने का मन में ख्याल आया तो मेरी बेटी मुझसे दूर चली गई। बहुत दूर चली गई मेरी बेटी मुझसे, बहुत दूर। सुमित्रा, जिन हाथों ने तेरी मांग में सिंदूर भरा था, आज अपनी हाथों को जोड़कर तुझे प्रणाम करता हूं। अपनी हाथों को जोड़कर तुझसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दे सुमित्रा। सुमित्रा, देखा, तेरी शराफत, तेरी ईमानदारी और वफादारी ने तुझे क्या तोहफा दिया है। तू अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर डोली में विदा करना चाहती थी, ये तो विदा हो गई, मगर डोली में नहीं, अर्थी में, अर्थी में विदा हो गई। रवि, तुमने मुझसे छोटे होते हुए भी जिंदगी की सच्चाई को मुझसे ज्यादा समझ लिया। जिस कानून को मैंने अपना मजाक समझा, अपनी जिंदगी का मकसद समझा, उसी कानून ने मेरी बच्ची की जान की कुर्बानी ले ली। मैंने अपने पति को छोड़ दिया, जज के ओहदे से मैंने इस्तीफा दे दिया और आज
उसी कानून की वजह से मैंने अपनी जवान बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खोकर मैं बिना औलाद के बनकर रह गई। लेकिन रवि, देर से ही सही, आज मैं समझ गई, इंसाफ और कानून चंद लोगों के हाथों में गेंद बनकर उछल रहे हैं, और जब तक ये गेंद राजनीति के जालिमों की कैद से आजाद नहीं होते, तब तक किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता, किसी के साथ न्याय नहीं हो सकता। आज तेरा भाई तुझसे वादा करता है दीदी कि समाज के गंदे लोगों के हाथ तोड़कर इंसाफ को वापस आजाद करा के लाऊंगा। इसके लिए चाहे मुझे गलत कदम क्यों ना उठाना पड़े। वाह, बड़ा तीर मार लिया। अरे उस जानकर सपना को कत्ल करने में मेरा क्या फायदा हुआ? अरे पहले मेरे बेटे रघु को उस हराम को रवि की कैद से छुड़ा कर लाओ। अरे बाबा, आप क्या हाथ छोड़ा के लाएगा? किसको मालूम आपका बेटा जिंदा भी है या मर के छोड़ आ गया? अबे ओ लंगड़े, मैं तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। रघु बेटे, तू ठीक तो है ना? उस रवि के बच्चे ने तुझे कोई तकलीफ तो नहीं दी ना? कुछ नहीं, पहले की तरह खड़ा हुआ है। उसने मेरा बयान रिकॉर्ड करवा लिया जबरदस्ती कि मैंने कमला का खून किया है। किंग कॉन्ग जी, इस टेप रिकॉर्डर में मेरी आवाज भरी हुई है कि मैंने अपनी पत्नी का खून किया है। अरे तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? आग लगा दे इस कैसेट को। यहाँ पर अपुन का हुकूमत चलता है, अपुन का परमिशन के बगैर यहाँ पर हवा भी नहीं खुल सकता। तो तू इधर आए क्या? हाँ, जिन्हें तूने सहारा दिया है उन्हें कब्रिस्तान पहुंचाने आया हूँ।
तुमको। रामखोर, अब मेरे पास वजह भी है और वारंट भी। क्योंकि इन मुल्जिमान के जुर्म साबित हो चुके हैं, इसलिए अदालत रघु को उम्र कैद की सजा का हुक्म देती है। राजशेखर और किंग कांग को सजाए मौत, सेवक राम और मदन लाल को 3-3 साल की सजाए कैद। माँ, सिर्फ 3 साल? अच्छा है, मतलब ठीक, अगले इलेक्शन तक मैं बाहर आ जाऊंगा। और अदालत मोहन को चंपा के कत्ल में निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत बरी करती है। अरे मुन्ना, आज ऐसा बाजा बजा के बाजाओं का भी बाजा बजा है। अरे ये कोई बाजा है? बजाना है तो पुलिस बैंड बजाओ, बाजाओं का बाजा। तुम चुप करो जी, मैं बात कर रही हूँ ना। मैं तुम्हारा पति हूँ संभाल के, सिर्फ नाम के।